चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 8 नंबर ही चल रहा है, और ये बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, इसीलिए इसको मैं आपको पूरे फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी कोई भी पेपर देने जाओ तो आपका आराम से क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान देना, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म चलते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिम्नोस्पर्म किसके पहले आएगा और किसके बाद आएगा, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा हमारा। आप ध्यान से सुनना, नाम ही इसका समझ में आ रहा है, ये सबसे पहले तो किसके बाद में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर हाँ, सब लोग आ चुके हैं, पूरा फोकस करना। सबसे पहले जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नग्न। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न होता है। और यहाँ पर बीजी का मतलब बीज, तो इसमें क्या होता है, बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है, नेकेड फॉर्म में पाया जाता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। पेपर में सीधा क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आएगा, पहला बीजीय स्थलीय पादप कौन सा है? तो पहला पादप जिसमें बीज पाए गए वो कौन सा आएगा? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म आएगा। तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न होता है, नग्न, नग्न होता है। बेसिक चीजें याद रखना, स्पर्म का मतलब यहां पर क्या रख रहे हैं हम? बीज। बीज मतलब बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है, बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? नग्न अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, मतलब सीधी सीधी बात है कि इसके जो बीजांड है, बीजांड से बीज बनता है, आपको पता है। तो बीजांड के जो चारों ओर, अंडा से नहीं पाया जाता, याद रखना, जो अंडा से की भित्ति होती है, जैसे आपने, हम आगे पढ़ेंगे इस प्रकार से क्या रहता है हमारा, आगे जब हम पढ़ेंगे, तो मादा वाला भाग होता है जिसमें बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड। ये वाला भाग क्या कहलाता है? बीजांड। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय, ओवरी। तो यहाँ पर ये जो ओवरी है ना, इसका अभाव रहता है, अंडाशय की भित्ति नहीं पाई जाती है, बीज कैसा रहता है? नग्न अवस्था में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लो, सरल सी चीज़ है, कौन सा कठिन है? बीज नग्न अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बीजांड के चारों ओर, ठीक है, बीजांड को इंग्लिश में बोलेंगे ओव्यूल, ओ व्यूल, बीजांड के चारों ओर, चारों ओर क्या नहीं पाई जाती है? अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है, अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसकी आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान से सुनना, टेंशन मत लेना। ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। क्लियर? इतना सभी को अब क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, एक मिनट रुकना। हाँ, सभी लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। अब सुनना, सबसे पहले हमने देखा इनमें बीज पाए जाते हैं, तो पहला स्थलीय बीजीय पादप कौन सा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बता दोगे। प्रथम, प्रथम स्थलीय बीजीय पादप, बीजीय पादप। देखो पेपर में प्रथम प्रथम करके मैंने अलग अलग क्वेश्चन बताएं, प्रथम संवहनीय पौधा कौन सा आएगा, प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमस कौन सा आएगा, प्रथम उभयचर कौन सा आएगा, रेप्टाइल कौन सा आएगा, तो ये सब आप अलग अलग से अच्छे से हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि पूछता है वो यहाँ से। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं ऑल ओवर मिक्सअप एक टेस्ट लूँगा आप लोगों का, बेसिक क्वेश्चन उसमें रखे जाएंगे जो आपके पेपर में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब आपको पता लगेगा कि कैसा आ रहा है। हाँ, अभी स्ट्रॉबेरी भी देखेंगे, इसमें अधिकतर ध्यान देना। हाँ, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, आपने देखा होगा, साइकस, पाइनस, चीड़, पेड़ दिखाऊंगा अभी मैं आपको, फोटो भी दिखाऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, आपको एग्जांपल भी याद कराए जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो अब ध्यान से सुनना, और ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, ये अनावृत बीजी शब्द किसने दिया है, कोई बता पाएगा? ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया है? तो ये शब्द भी ध्यान देना, थियोफ्रेस्टस ने दिया है, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने, वनस्पति विज्ञान के पिता बोला जाता है इन्हें,
शब्द थियोफ्रेस्टस ने दिया है, थियोफ्रेस्टस ने दिया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये सभी जगह पर नहीं पाए जाते, इतना आपको क्लियर हो गया। हाँ 16 को ही ले लेंगे टेस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, और पहले मैं तो सोच रहा हूँ और पहले ले लिया जाए। आज कितनी तारीख है, कल नहीं परसों ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो तो आप बोल रहे हो 16 तारीख को हम इसका पूरा फुल्ली टेस्ट ले लेंगे, आप टेंशन मत लो, पूरा फुल क्लियर 16 तारीख को टेस्ट के लिए तैयार रहना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर ये जो रहता है ना अनावृत बीजी वाले जो रहते हैं, ये सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी जगह पर नहीं पाए जाते। क्या रहता है, सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सीमित क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ी एवं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है सीमित क्षेत्रों में, खासकर ये पहाड़ी एवं ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय की तलहटी पर पाए जाते हैं, वहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर देवदार आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपने देखा होगा देवदार, देवदार दो चार चार खड़े, चीड़ ठीक है, पाइनस बोल देते हैं पाइनस, साइकस साबूदाना, साइकस आ जाएगा, साबूदाना आ जाएगा, नेटम, ऐसे हम बहुत सारे देखेंगे, ध्यान देना। अभी आप फलों को मत लाना इसके अंदर, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे स्ट्रॉबेरी के ऊपर फल, वो हम अलग अलग प्रकार के जब हम पढ़ेंगे ना तब हम फल के अंदर देखेंगे कि सत्य असत्य अलग अलग प्रकार के वहाँ पर निर्मित होंगे। यहाँ पर पौधों की बात की जा रही है, यहाँ पर जो पौधे रहते हैं, आप बताओ क्या इनमें जड़ तना पत्ती पाई जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, पहले लेक्चर में मैं आपको बेसिक क्लियर करता हूँ, तो ये नॉर्मली बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि जो अनावृत बीजी पौधा है इसका अनावृत बीजी नाम क्यों रखा है, क्योंकि अनावृत किसी भी प्रकार का इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं है, खोल नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो बीजांड रहता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड के ऊपर किसी भी प्रकार की अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है, क्लियर। और इसमें देखो फूल भी लगते हैं, लेकिन ध्यान देना इसमें किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो बीजांड अनुपस्थित रहता है, बीजांड पाया ही नहीं जाता, मतलब इनमें फल नहीं लगते हैं, इनमें फल नहीं लगते हैं, पूरा काम किससे होता है, बीज में होता है, याद रखना। बिल्कुल हाँ पाई जाती है, सब लोगों ने बोल दिया, बहुत बढ़िया, इनमें जड़ तना पत्ती बिल्कुल पाई जाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है क्या संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं इनमें, तो आप बोलोगे यस सर इनमें संवहनीय ऊतक बिल्कुल पाए जाते हैं। जैसा हमने टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पढ़ा था, संवहनीय अभी विकसित नहीं हुए थे, इनमें विकसित हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी संवहनीय पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोयम थे। जाइलम में इनमें भी वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, और फ्लोयम में साथी कोशिकाएँ कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती। ये मैं लिखित में दूंगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए सिर्फ बोल के बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को अगर रेगुलर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। इनके अंदर क्या होता है, संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जाइलम फ्लोयम, लेकिन जाइलम के अंदर वाहिकाएं बेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और कुछ में पाई जाती हैं अपवादे में, अपवाद के अभी आपको नाम बताऊँगा। और याद रखना कुछ ऐसे रहते हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो इनमें जड़ें भी पाई जाती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और पत्ते भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, देख लीजिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जेरोफाइट शुष्क प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, मतलब ठंडे प्रदेशों के साथ साथ ये शुष्क प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, जेरोफाइटिक हमने पढ़ा था वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब मैं यहाँ पर आपको, चलो यहीं क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ और आपको बता दिया जाता है, अब सुनना मेरी बात। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि संवहनीय ऊतक, अनावृत बीजी की हम बात कर रहे हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया जिम्नोस्पर्म के अंदर संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब संवहनीय ऊतक में क्या क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे एक जाइलम आएगा और एक फ्लोयम आएगा, जाइलम आ जाएगा और फ्लोयम आ जाएगा। तो जाइलम के अंतर्गत हमने चार चीजें पढ़ी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी वेसल्स, वाहिकाएं, तो इनकी वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और इनमें क्या होता है कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं,
साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अब पेपर में आपको याद रखना है इसके कुछ अपवाद। अपवाद जैसे आप याद रखना नेटम, नेटम इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। और आपको कुछ और याद रखनी है, ध्यान से सुनना, इफीड्रा करके था, इंग्लिश में ही नाम लिख लेना नहीं तो हिंदी में भी लिखवा देंगे, इफेड्रा हिंदी में आ जाएगा इफेड्रा, ठीक है। तो ये इसका ये भी आपसे सीधा पूछ लेता है, इफेड्रा किसके अंतर्गत आता है, तो आप बता दोगे इसी के अंदर आता है। वेलविसिया करके आएगा, एक इंग्लिश नाम ही मिला था मुझे, मैं लिख देता हूँ, देखो वेल TSCHIA वेलविसिया, याद रखना। इनमें क्या होता है, वाहिकाएँ पाई जाती हैं नेटम में, इफेड्रा में, और वेलविसिया वेलविसिया वेलविसिया, दो तीन बार नाम ले लो वेलविसिया, इनमें पाई जाती हैं, इनमें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि याद रखना, हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, टेरिडोफाइटा में बताओ मुझे द्वितीयक वृद्धि होती है या नहीं होती है, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। द्वितीयक वृद्धि तो हमने पढ़ा था, बताओ मुझे क्या हमने पढ़ा था वहां पर, एधा कैम्बियम, टेरिडोफाइटा के अंदर कैम्बियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या टेरिडोफाइटा में कैम्बियम पाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी, शिवानी जी, मेघा जी, सभी ने आंसर दे दिया, सर उनमें कैम्बियम ऐदा नहीं पाया जाता, इसलिए वो शाकीय पौधे होते थे, उनमें अभी उनका यूज़ हम इमारती लकड़ी बनाने में नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना इनमें जो आपका आवृत्त बीजी हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, याद रखना इसमें भी कुछ अपवाद थे। हाँ बिल्कुल अपवाद थे, हमने देखा था अपवादों को आपको याद करना है, देखो पेपर में पास होना है तो अपवाद याद करने हैं, याद रखना। अब इनमें क्या होता है, इनमें एधा मतलब कंपेनियन, वो अपना कंपेनियन बोल रहा हूँ, क्या नाम लिया था दिमाग से एकदम ही उड़ गया, क्या बोला था मैंने, अभी एक बार जल्दी से बताना, एधा एधा को क्या, कैम्बियम कैम्बियम कैम्बियम, याद रखना। तो आवृत्त बीजी जो है इनमें कैम्बियम 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 हिंदी में बोलेंगे एधा, तने के अंदर क्या होता है, इनमें तने के अंदर कैम्बियम पाया जाता है, पाया जाता है, अर्थात इनमें सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि होती है, इनमें क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, याद रखना इनके अंदर। तो ये कैसे होंगे, ये काष्ठीय होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय मतलब बुढ़ी, काष्ठीय होते हैं, बुढ़ी होते हैं, लकड़ी इनमें पाई जाती है, काष्ठीय होते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे जिनकी लकड़ी। हाँ आप लेट ही आते हो डेली के डेली थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाल ही शुरू किया है मैंने जस्ट, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलिए तो आप ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर देखा इनमें कैम्बियम एधा पाया जाता है, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा का विकसित रूप होता है, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेमस थे, याद रखना उनमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है, ये फिनेरोगेमस होते हैं, इनमें बीज पाया जाता है, याद रखना। कभी आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे कि ये कैसे होते हैं, फिनेरोगेमी होते हैं, इनमें बीज पाया जाता है, फिनेरोगेमस याद रखना, फिनेरोगेमी, फिनेरोगेमी मतलब इनमें क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, बीज और फूल दोनों पाए जाते हैं, याद रखना फूल भी पाए जाते हैं, फूल भी फूल, लेकिन अभी फूल विकसित नहीं है, याद रखना इनमें अभी पूर्ण रूपेण जो लैंगिक अंग हैं वो विकसित नहीं हुए हैं, अभी भी इनके अंदर क्या होता है, शरीर स्पोरोफाइटिक होता है, मतलब कैसा रहेगा, बीजाणुद्भिद होता है, इनमें अभी स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। तो इनकी मुख्य, देखो मैंने आपको बताया था अंतर, देखो हमने दो अंतर देखे थे, एक बीजाणुद्भिद और एक युग्मकोद्भिद, हर एक पौधे का पूरा बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद और एक हमने गैमेटोफाइटिक पढ़ा था युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद शुरुआत वाले थे, जो बहुत ज़्यादा हावी थे, प्रकाश संश्लेषण करते थे, स्पोरोफाइट उनके ऊपर लगता था, बाद वाले सारे के सारे स्पोरोफाइटिक हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी को स्पोरोफाइटिक के नाम से जाना जाता है, उनमें स्पोर बनते हैं,
याद रखना। तो जो हमारा अनावृत बीजी है ये भी कैसा है, अगर इसका शरीर आपसे पूछा जाए, शारीरिक संरचना पूछी जाए, तो इसकी शारीरिक संरचना भी कैसी होती है, आप बोल दोगे बीजाणु द्विविध होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। तो इसकी शारीरिक संरचना कैसी हो जाएगी, तो आप बोलोगे यह पादप संरचना कैसी आ जाएगी, पादप संरचना स्पोरोफाइटिक आ जाएगी। अब कैसे होगी, अभी मैं स्पोर आपको बताऊंगा, ध्यान देना। तो ये कैसी हो जाएगी, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम, इतनी चीज़ें हमने इसमें देख ली। अब इसकी जड़ों की बात करते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि उनमें प्राथमिक जड़ें जो टेरिडोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा थे, उनमें जो जड़ें थी उनमें जो मूसला जड़ है उसके स्थान पर अब स्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। लेकिन अब इनमें जड़ें कैसी पाई जाएंगी, टैप रूट्स पाई जाएंगी, मूसला जड़ें पाई जाएंगी, ना कि एडवेंटियस रूट्स पाई जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी जड़ों के बारे में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप शरीर की बात करने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म में ये बेसिक जानकारी है, फिर मैं आपको पूरा लिखा हुआ प्रॉपर आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ें याद करनी है वो भी बताते जाऊंगा, बस सुनते चलो। जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप शरीर हमने देखा है कैसा होता है, तो आप लोग बोल दो कि मुख्य पादप शरीर होता है बीजाणु उद्भिद, स्पोरोफाइटिक होता है। अब ध्यान से सुनना, इनमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, मुख्य पादप शरीर में क्या हो जाएगा, जड़ तना पत्ती पाई जाएगी, जड़ तना पत्ती पाई जाती है शरीर कैसा है बीजाणु उद्भिद, जड़ तना पत्ती पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें जड़ कैसी पाई जाती है, तो आप बोल दोगे सर इनमें जड़ पाई जाती है मूसला जड़, मूसला जड़। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मूसला जड़ क्या होती है, तो हम आगे जड़ तना पत्ती फल फूल सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा आवृतबीजी पौधे हैं वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछता है, क्योंकि आवृतबीजी अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें पादप शरीर पूरा आ जाता है, पादप आकार की के नाम से जानते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो उसी के अंतर्गत नहीं, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, नहीं तो आपको लगेगा 8 चैप्टर ही बहुत बड़ा हो रहा है, वो अलग से उसी में सब कुछ कवर हमारा हो जाएगा, बिल्कुल भी एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो जड़ मतलब टैप रूट इस प्रकार से होती है, मूसला जड़ होती है, और ये साथ में सहायक जड़ें होती हैं, और इसे रूट हेयर बोलते हैं, हम बाद में देखेंगे इसे। आप देखना इसमें कैसी होती है, मूसला जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़, टैप रूट पाई जाती हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनना, दो चीज़ें और याद रखना है, कुछ अपवाद हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं इसके मूसला जड़ों के अपवाद होते हैं, अपवाद आपको याद रखना है, अपवाद से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन दो प्रकार के एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक याद रखना है आपको क्या कि कुछ पौधों में क्या होती है कवक मूल पाई जाती है, क्या पाई जाती है कवक मूल, ये क्या होती है सर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ पौधों में कवक मूल, कभी कभी कवक मूल का वो इंग्लिश भी लिख के दे देता है, तो माइकोराइजा बोल देते हैं, माइकोराइजा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RHIZA, माइकोराइजा याद रखना, ठीक है। तो कुछ पौधों में कवक मूल माइकोराइजा, कवक मूल पाई जाती है, माइकोराइजा पाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जड़ में कवक, जड़ क्या होती है इस पौधों की, कवक से जुड़ी होती है, फंगस से जुड़ी होती है। सर कवक से क्यों जुड़ी होती है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। अब ये पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा पौधा, सबसे बड़ा पौधा सिकोया सिम्परवेरेंस, आपने नाम सुना होगा इसको, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। सबसे छोटा पौधा भी अगर आप देखोगे जिमिया पैगमिया,
जिमिया पैगमिया, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, इतने लंबे लंबे जो पौधे होते हैं रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, तो आखिर इनके ऊपर कैसे चढ़ पाएगा पानी? तो इनकी जड़ों में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, कवक मूल पाए जाते हैं, मतलब कवक पाया जाता है। वायुमंडलीय नमी को ये क्या करता है, कैप्चर करता रहता है, अवशोषित करता रहता है, जिसके कारण इन पौधों को ऊपर तक पानी मिल जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता है रूट के द्वारा, क्योंकि इसमें जाइलम में वाहिकाएँ वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो याद रखना है, कुछ पौधों में कवक मूल पाए जाते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पाइनस, क्या जाएगा आपका पाइनस, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे पाइनस और साइकस, दोनों से ही भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कवक मूल का मतलब होता है जड़ के साथ में, जड़ के साथ में क्या होता है, कवक भी पाया जाता है, और ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। एक और अपवाद में क्या आ जाएगा, इससे ले लेते हैं, एक और अपवाद में क्या होता है, यहाँ पर जो आ जाएगा कोरेलॉइड जड़, जो मतलब जड़ें रहती हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, राइजो, आपने देखा होगा जैसे हमने एनावीना पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो पाए जाते हैं, तो कोलोरेडो जड़ के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना, इस जड़ का नाम क्या जाएगा आपका, कोरे, या इंग्लिश नाम ही लिख देता हूँ मैं इसका, एक तो बोलने में दिक्कत आती है, ये देखना नाम लिख देता हूँ मैं पहले, कोरेलॉइड रूट, याद रखना, ठीक है, कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना, इसका हिंदी नाम कहीं, वैसे मैं ढूंढा था, मुझे मिल नहीं रहा था हिंदी नाम, अगर आप लोगों को मिले तो आप बताना, ठीक है, मैं भी इसको एक बार और सर्च के बता दूंगा आपको। कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट पाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में वो कभी कभी ऐसे कोरेलॉइड लिख के दे देता है, कोरेलॉइड रूट किसमें पाई जाती है, तो याद रखना, ये कोरेलॉइड रूट का मतलब होता है कि इन पौधों की जड़ों में, जो पौधे रहते हैं ना, इन पौधों की जड़ों में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन पौधों की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, साइनोबैक्टीरिया मतलब यहाँ पर क्या जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम, ग्रंथिल, अच्छा ग्रंथिल नाम है कोलोरॉइड का, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाती हैं हल्की हल्की सी, जिनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीव इनकी जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, तो हिंदी नाम क्या जाएगा, ग्रंथिल जाएगा, ठीक है, हाँ चलिए देख लेंगे, स्वरा जी ने बताया ये, तो याद रखना इन पौधों की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यहाँ पाइनस, यहाँ साइकस आ जाएगा, क्या आएगा, साइकस, साबूदाना वाला साइकस, साइकस इसका एग्जाम्पल है, याद रखना इम्पोर्टेंट। ये पाइनस में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो पाइनस में कवक मूल माइकोराइजा वाली जड़ें पाई जाती हैं, और कोरेलॉइड जड़ों में क्या हो जाएगा, ग्रंथिल जड़ों में क्या हो जाएगा, साइकस एग्जाम्पल है, और इनकी जड़ों में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो उम्मीद है इतना आपको जड़ों से अगर पूछा जाए तो आप बता दोगे, बाकी और भी यहाँ से जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी आगे मैं आपको मेन यहाँ से बेसिक चीज़ें यहाँ से पूछता है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाता है, तो कभी कभी वो साइकस को डिटेल में पूछ लेता है, कभी वो पाइनस को डिटेल में पूछ लेता है, कभी वो नीटम को डिटेल में पूछ लेता है, यहाँ से प्रश्न निकालता है, तो हम सब उन प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की अब लाइफ साइकिल की हम बात करने वाले हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, इसमें कुछ था ही नहीं वैसे इतना कठिन क्लियर करने वाला। चलिए, ये चीज़ें आपको जानना इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि कभी पेपर में आप बैठो और कुछ नई चीज़ आपको मिल रही है, फिर आप पढ़ने बैठते हो कभी कभी और आपको नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं, तो आपको चीज़ें याद होंगी जब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे, नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट। मैं बहुत सारी जगह से इनको ढूंढ के लाता हूँ, ये मत सोचना आप एक किताब में मिल जाएंगे, आपको एक किताब में ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, आप कोई भी किताब पूरा यूट्यूब छान मारो, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं तब ये चीज़ें निकल के आती हैं, क्लियर, तो आप दिक्कत नहीं आएगी आपको।
चलते हैं, और ये सब लिखा हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं भाई, इसका जीवन कैसा है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, लाइफ साइकिल। अब बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, इसका शरीर तो हमने देखा था कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म। अब जो जिम्नोस्पर्म इसमें शरीर होता है, तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म के अंदर शरीर हमने देखा था स्पोरोफाइटिक होता है, लेकिन स्पोरोफाइटिक के अंदर भी देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। तो इनका शरीर पेपर में मतलब इनके अंदर लाइफ जो साइकिल होती है, इनका जीवन चक्र होता है, वो सम बीजाणविक होता है या विषम बीजाणविक होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों में से कोई तुक्का लगाना चाहेगा, क्या कोई तुक्का लगाना चाहेगा, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु पादप होते हैं, हेट्रोस्पोरिक होते हैं या होमोस्पोरिक होते हैं, होमोस्पोरिक या हेट्रोस्पोरिक, बताइए जल्दी बताओ सभी जिम्नोस्पर्म। अच्छा लाइफ की चलो ले ले भैया, लाइफ लाइफ अब तो सही लिखा है, लाइफ की स्पेलिंग ठीक है, बहुत बढ़िया। होमो एक का आंसर आ रहा है, दोनों एक बोल रहे हैं, हेट्रो, बहुत बढ़िया। तो याद रखना सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु वाले होते हैं, तुक्का लगाया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी जो जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु पादप होते हैं, लिख देता हूँ, सभी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, सभी जिम्नोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुविक पादप होते हैं, कैसे होते हैं, विषम बीजाणु मतलब इनमें विषम बीजाणु बनते हैं, ध्यान से सुनना, विषम बीजाणु बोले तो हेट्रो, इंग्लिश में आ जाएगा हेट्रोस्पोर, विषम बीजाणुविक, हेट्रोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु पादप होते हैं, पादप होते हैं। अब आपकी परीक्षा है अग्नि परीक्षा, आप देखते हैं भैया कितने लोग बताओगे, आपकी अग्नि परीक्षा चलेगी। अब ये आपके सामने मान लो मैंने एक पेड़ बना दिया, ये लो इसकी ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ में हम क्या कर देते हैं, कुछ पत्तियां लगा देते हैं भैया, ताकि आप लोग ये लो पत्ती लगा दी। बताओ मुझे, एक इस साइड पत्ती लगा देते हैं, ठीक है, दो पत्तियां लगा दी हमने। अब हमने कुछ इससे पहले टेरिडोफाइटा में शायद पढ़ रखा था, मुझे बताओ इन पत्तियों पर हमने देखा था कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर बीजाणु बनते हैं, तो उस संरचना को क्या नाम दिया जाता है, अब देखते हैं, अब मज़ा आने वाला है। बताओ पत्ती के बैक साइड में हमने देखा था टेरिडोफाइटा के अंदर कि भैया जो पत्तियां रहती हैं स्पोरोफिलस बोला जाता है, बीजाणुपर्ण के नाम से हम इन्हें जानते हैं, याद रखना बीजाणुपर्ण स्पोरोफिलस। तो बताओ मुझे, लो मैं पत्ती का नाम भी लिख देता हूँ, बीजाणुपर्ण स्पोरोफिलस, स्पोरो PHYLLUS स्पोरोफिलस, बीजाणुपर्ण क्लोरोप्लास्ट, नहीं, राजकमल जी आज आप आज ही जुड़े हो, जल्दी बताओ इसके पीछे थोड़े थोड़े से हमने देखा था कि गेंदनुमा संरचनाएं रहती हैं छोटी छोटी सी बैक साइड में, तो उसे क्या नाम दिया था हमने, जिनमें अलग अलग चीज़ें थी, बताइए, अब देखते हैं, स्पोरेंजिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्मिता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, उसके बाद स्वरा जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब बस बहुत बढ़िया, सबको आ गया, तो अब ध्यान देना, ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, यहाँ पर जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पत्ते होते हैं, एक होता है ध्यान से सुनना बड़ा पत्ता और एक होता है छोटा पत्ता। बड़े पत्ते को क्या बोला जाता है, तो बड़े पत्ते को मेगा स्पोर बोला जाता है, क्या बोल दिया जाता है, याद रखना यहाँ पर आप नॉर्मली क्या जाएगा, मेगा स्पोर फाइलम, यहाँ पर मेगा स्पोर फाइलम के नाम से जाना जाता है, मेगा
मेगा, स्पोर फाइलम आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइक्रो स्पोर फिली बोल दो, ठीक है, फिलस। अब देखना यहां पर लघु बीजाणु पर्ण बोलेंगे और यहां पर गुरु बीजाणु पर्ण बोलेंगे, दो अलग अलग पत्तियां हैं, वहां पर एक ही हो रही थी, यहां पर अलग अलग हैं। इसको बोलेंगे लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण बोला जाता है, लघु बीजाणु पर्ण, और यहां पर क्या होता है, गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं। अब लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण में याद रखना, अब यहां पर क्या होता है, जो लघु बीजाणु पर्ण होता है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हो रहा है, मतलब जो हमारी बीजाणु धानी थी, यहां पर लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। हिंदी में नाम क्या लिखेंगे, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। देखो वो वाला लेक्चर आपने सुना है तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये तो समझ में आएगा, लघु बीजाणु धानी। और यहां पर क्या आ जाएगा, गुरु बीजाणु धानी आ जाएगा, तो मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु धानी आ जाएगा, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब बताओ मुझे बीजाणु धानी के अंदर क्या बनेगा, आपने देखा माइक्रो, हमने स्पोरेंजिया देखा और दोनों देख लिए, अब इसके अंदर बनेगा क्या, इतना क्लियर। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, आप ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर हमने कुछ पढ़ा था, जो हमारी स्पोरेंजिया होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोर सेल नहीं था, हमने डायरेक्ट इसके अंदर पढ़ा था मदर सेल। क्या पढ़ा था, मदर सेल, स्पोर मदर सेल पढ़ा था। तो याद रखना यहां पर माइक्रो स्पोर मदर सेल आएगा और उधर मेगा स्पोर मदर सेल, नाम बस माइक्रो स्पोर मदर सेल, और यहां पर क्या आ जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल आ जाएगा, माइक्रोस्पोर, हाँ मदर सेल। अब मदर किसका निर्माण करेंगे, मदर यहां पर होगा, ध्यान से सुनना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, याद रखना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें भ्रूण कोष पहले ही बन जाता है भ्रूण के, जो हम एम्ब्रियो देखेंगे ना, मतलब युग्मनज जो बनेगा उससे पहले जो भ्रूण कोष होता है हमारा मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे भ्रूण कोष निषेचन से पहले ही बन जाता है। मान लो भ्रूण कोष जो होगा यहाँ पर एम्ब्रियो जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, आगुणित होगा, और निषेचन के बाद में क्या हो जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो द्विगुणित हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते मैं आपको बताऊँगा, पहले सिंपल सिंपल से ही चल रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, और यहाँ पर अब इनसे क्या बन जाएगा, तो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बन जाएगा, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर बन जाएगा, और ध्यान देना मेगा स्पोर बन जाएगा। तो माइक्रोस्पोर को हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, और इसको क्या बोला जाएगा, मेगा स्पोर को गुरु बीजाणु, क्या बोला जाएगा, गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर गुरु बीजाणु। सर ये क्यों बता रहे हो, अब यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया यहां पर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए नर वाला भाग कौन सा होता है, नर युग्मक कौन सा होता है, तो जो माइक्रोस्पोर होता है ये नर युग्मक होता है, ये क्या होता है, इसे नर युग्मक बोला जाता है, नर युग्मक,
और जो मेगा स्पोर होता है ये क्या होता है, ये मादा युग्मक होता है, ये क्या होता है, मादा युग्मक, मादा युग्मक। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जिम्नोस्पर्म के अंदर नर युग्मक कौन सा होता है और मादा युग्मक कौन सा होता है। तो आप बोलोगे सर गुरु बीजाणु को हम मादा युग्मक बोलते हैं और लघु बीजाणु को नर युग्मक बोलते हैं। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए नर युग्मक कहाँ बनता है। तो आप बोलोगे सर वो बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है, लघु बीजाणु धानी में बनता है। और लघु बीजाणु धानी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं पराग कोष पोलन। देखो इसको क्या बोले जाते हैं, पराग कोष के नाम से जाना जाता है, पराग कोष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा नर युग्मक कहाँ बनता है, पराग कोष, पराग कोष को एक और नाम से जाना जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा इसका, पोलन से पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो नर युग्मक होता है इसको क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, जो नर युग्मक होता है इसको पराग कण बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पराग कण के नाम से जाना जाता है, मतलब पोलन ग्रेन, पराग कण, नर युग्मक को बोलते हैं पराग कण। पराग कण कहाँ बनता है, पराग कोष में बनता है, पराग कण नर युग्मक को बोला जाता है। मादा युग्मक नॉर्मली अंडाशय में ही हमारा अंडे का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो गुरु मेगा स्पोर बनते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बीजांड बोला जाता है। मेगा स्पोर को क्या बोला जाता है, बीजांड, ओब्यूल, बीजांड बोला जाता है, ओब्यूल बोला जाता है, ओब्यूल। इतना क्लियर। अब हम देखने वाले हैं, देखो अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं यहाँ पर अलग अलग पत्ते पर, मतलब अलग अलग बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, अलग अलग बीजाणु पर्ण पर अलग अलग स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक होता है मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम पर माइक्रोस्पोर बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। और नर युग्मक का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर पराग कण आ जाएगा, पोलन ग्रेन्स बोला जाएगा। और यहाँ पर मेगा गुरु बीजाणु धानी को बीजांड बोलते हैं जिससे क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु को ही मादा युग्मक कहा जाता है। इतना उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलिए इतना क्लियर हो गया तो फिर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो मेगा स्पोर होता है ना इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, अब अंकुरण चालू होता है, क्या होगा, अंकुरण की प्रक्रिया चालू होगी, भ्रूण कोष बनेगा, याद रखना। भ्रूण कोष कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है, अब मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। जो माइक्रो और मेगा नर युग्मक हैं याद रखना, इन ये दोनों आपस में मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। और इनके आपस में मिलने से क्या होगा, यस क्लियर हो रहा है, मतलब बड़ेल पत्ती पर बड़ा और छोटे पर छोटा। हाँ बस कितना सरल था, ये तो आपने मेरी आंखें खोल दी। बड़ी पत्ती पर बड़ा, छोटी पत्ती पर छोटा बनेगा। और बड़े का नाम क्या हो जाएगा, बड़े का नाम क्या होगा, बड़ा नर है या मादा बताइए, बड़ा नर है या मादा बताओ जल्दी से, बड़ा नर है या मादा, यही देख लेते हैं, बताओ बड़ा नर है या मादा, समझ गए अब आप, सांगवी जी ने बोला अब तो हम समझ गए, मतलब अब बताओ तो बड़ा नर है या मादा, मादा, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि साफ साफ ही तो लिखा है मेगा गुरु, गुरु बड़ा है, लघु छोटा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल मादा मादा, आप सबके आंसर मादा आ रहे हैं। तो आप देखो माइक्रोस्पोर हो रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, याद रखना, मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर नॉर्मली नर युग्मक से क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट बोल देंगे इसे, और इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल देंगे, इससे क्या बन जाएगा आगे चल के, मेल गैमेट बनेगा, युग्मक नर युग्मक ये बनी गया, देखो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु में क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और यहाँ पर मादा युग्मक बनेगा, ये दोनों के दोनों आगुणित होते हैं, याद रखना पूरा। हाँ मेगा से मादा, हाँ बिल्कुल ऐसे याद रख लो, मेगा से मादा। अब आप बार बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा काय से क्या हो रहा है। तो जो मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं ना, ये जो भ्रूण रहते हैं, भ्रूण कोष रहते हैं, याद रखना, ये डिप्लॉयड होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि निषेचन के बाद में कोई भी अंडाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 16 है,
तो बताइए भ्रूण कोष में गुणसूत्र कितने होंगे? तो भ्रूण कोष में हमेशा आधे गुणसूत्र होंगे, क्योंकि निषेचन की क्रिया के पहले ही भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया निषेचन की क्रिया के बाद में गुणसूत्रों की संख्या मान लो 28 है, तो बताइए भ्रूण में गुणसूत्र कितने होंगे? बताओ भ्रूण कोष में गुणसूत्र कितने होंगे? तो बस आपको आधा कर देना है, क्योंकि भ्रूण कोष आगुणित होता है और निषेचन की क्रिया के बाद में वो डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब द्विगुणित हो जाता है, जिससे उसमें डबल हो जाते हैं गुणसूत्र। पेपर में ये प्रश्न आता है। 14 14 बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखना, अब जो मादा युग्मक होते हैं और ये जो नर युग्मक होते हैं, इन जब ये मिलेंगे तो क्या वो बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। युग्मनज बनता है, याद रखना। और ये कैसा हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है निषेचन की क्रिया के बाद। निषेचन के पहले इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, निषेचन के बाद गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। और इसके बाद में क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण बनता है, याद रखना एम्ब्रॉय बनता है। लेकिन ये भ्रूण कोष है, कोष के अंदर आधे होते हैं। अब क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो, EMBRYO। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? तो एम्ब्रियो से बन जाता है सीड। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? बीज बन जाएगा, बीज बन जाएगा। तो पेपर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बीज में क्या क्या शामिल होता है? तो बीज में दो चीज शामिल होती है, एक ओब्यूल, बीजांड शामिल होता है, और क्या शामिल होता है? एम्ब्रियो, भ्रूण शामिल होता है, भ्रूण शामिल होता है। ये बीजांड, ये वाला भाग जो है बीजांड, तो यहाँ पे ये आया हुआ है महिला वाले के पास में, तो इसमें एम्ब्रियो शामिल है और बीजांड शामिल है, याद रखना। ओब्यूल मतलब बीजांड, और भ्रूण से मिलकर ही क्या बन रहा है? बीज बन रहा है, और बीज से फिर पूरा का पूरा शरीर बन जाता है, और शरीर को बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। क्लियर? तो ये इसकी क्या है? सिंपल सी लाइफ साइकिल है, बिल्कुल सरल सी, प्यारी सी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए अब हम थोड़ी सी थ्योरी पर चलते हैं, पढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब नाम तो क्लियर हो गए होंगे, कम से कम नाम तो क्लियर हो गए कि कहाँ कौन सा बन रहा है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इतना तो बना ही दोगे। चलें आगे। ये अभी भी इसमें मेल का आकार छोटा है और फीमेल का बड़ा है, तो वही जूडियोगेमस हो जाएगा। ये कैसा होगा? जूडियोगेम ही रहेगा जी। चलिए इतना क्लियर हो चुका है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुकिए। जिम्नोस्पर्म, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा थोड़ा सा लिखा हुआ, और फिर उसके बाद में मतलब इसमें भी हमारी एक क्लास और लग जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए तो देखो इतने सुंदर सुंदर से पेड़ इसमें आपको दिखाई देते हैं। अभी इनके एग्जांपल भी आपको मैं बताते चलूँगा, तो आपको याद करते चलना, और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले संवहनीय पौधे होते हैं, फूल भी पाए जाते हैं इनमें, लेकिन ये मुख्य रूप से विकसित फूल नहीं पाए जाते। वहीं के वहीं ये देखिए फूल के जैसी संरचना है, इन्हीं में बीज लग जाते हैं। तो याद रखना फूल वाले पौधे और जिनके बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं? फिनेरोगेमी होते हैं। फिनेरोगेमी मतलब फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। बीज रहित को क्रिप्टोगेमी बोलते हैं, बीज वाले को फिनेरोगेमी बोलते हैं। इन पौधों में बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। किसका आवरण? अंडाशय का आवरण, हमने पढ़ा था। ये काष्ठीय रहते हैं, बहुवर्षीय रहते हैं, और कुछ पौधे झाड़ियों के रूप में भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर काष्ठीय रहते हैं और बहुवर्षीय, लंबे समय तक ये रह पाते हैं। आप सुनते चलना जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ। ऐसे खुले में दिखते हैं इनके सभी के, ये इस प्रकार से इनमें फल नहीं लगते हैं, ये बीज ही इनके अंदर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें कैसी रहती हैं? इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं, परागकण की क्रिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था। परागकण की जो क्रिया होती है, पॉलिगनेशन होता है, जो नर युग्मक है, पोलन परागकोष है, वो पराग कण है, वो बीजांड के यहाँ कैसे जा पाता है? तो ये जा पाता है किसके द्वारा? वायु के द्वारा। याद रखना कोई एनिमल ले जाता है तो उसे एनिमल फ्ली के नाम से जाना जाता है,
याद रखना ये बाइवीय होता है, याद रखना परागण की क्रिया इनमें कैसी होती है, प्रोलिगनेशन कैसा होता है, बाइवीय होता है, एक ही फूल के अंदर नहीं हो पाता, ये अलग अलग जगह पर पत्ता लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ उड़ के जाएगा। तो याद रखना इनमें क्या होता है, परागण की क्रिया कैसी होती है, वायु के द्वारा होती है। वनस्पति जगत का सबसे ऊँचा पौधा सिकोया सिंपरवेरेंस भी इसी के अंदर आता है, अभी हम देखेंगे उसको भी। ये देखो इस प्रकार के पौधे रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे से, इनमें फल वल नहीं लगते हैं। इनके पेड़ जैसे इसमें देखो क्या आएगा, शिकोइड आ जाएगा आपका, चीड़ आ जाएगा, देवदार आ जाएगा, भावू के पेड़ आ जाएंगे, बड़े और ऊंचे होते हैं। सिकोया सिंपरवेरेंस, चीड़, देवदार, भावू के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे इसमें अपन देखेंगे अभी, और भी हैं आपको बताऊँगा। चीड़ तथा देवदार के जंगल सारे के सारे हिमालय पर भरे पड़े हैं, मतलब आपने देखा होगा देवदार दो चार खड़े, आपने कविता सुनी होगी छोटे में, तो देवदार जो रहता है वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा, याद रखना। चीड़ जिससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, रेजिन नामक पदार्थ निकलता है, ये खुद की सुरक्षा के लिए उसे निकालता है, हम आगे पढ़ेंगे, याद रखना तारपीन का तेल क्यों निकालता है। साइकस का पेड़ जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है, चिलगोचा प्राप्त किया जाता है इनसे। इनमें बीज एक प्रकार के झुंड में होते हैं जिन्हें स्ट्रलिस या कोन कहते हैं, याद रखना कोन नुमा संरचना रहती है जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन को ही हम बीज के नाम से जानते हैं, और इन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम स्टरलिस कहते हैं, स्टरलिस। पत्तियाँ अधिकांशतः नुकीली होती हैं और कड़ी होती हैं, कठोर होती हैं, ये ठंडे प्रदेशों में पहाड़ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। इसके पौधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइकस की तरह मोटे तने वाले होते हैं, साइकस की तरह साबूदाने की तरह कैसे होते हैं, मोटे तने वाले होते हैं, जिनके सिरे पर झुंड वाली लंबी पत्तियां होती हैं। ये पेड़ आपने अपने घरों के आसपास बहुत सारी जगह देखे होंगे, अधिकतर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, लोग यहाँ भी उगा लेते हैं। मध्य में विशेष प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार से ये छोटा सा नारियल जैसा पेड़ आपको दिखाई देता है। इनमें से जिनमें परागकण बनते हैं उन्हें लघु बीजाणुपर्ण, मैंने आपको बताया लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोफिली, लघु बीजाणुपर्ण जिन पर परागकण बनते हैं, और जिन पर नंगे बीजाणु पाए जाते हैं, मतलब अंडाशय वाला भाग कौन सा होता है, गुरु बीजाणुपर्ण होता है, ये भी मैंने आपको अभी हल बताया है। अनावृत बीजी पौधों का दूसरा मुख्य प्रकार होता है कोनीफरोफाइटा, जिनमें पौधे बहुत ही बड़े और ऊंचे होते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पौधा कौन सा जाएगा, स्क्वेड, जिसे हम सिकोया सिंपरवेरिएंस या रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में भी कौन सा प्रकार है, कोनीफरोफाइटा, सिकोया सिंपरवेरेंस, ये शब्द आप सुनते रहना, PDF में एक बार हाईलाइट कर लेना, और मैं आपको अभी आगे भी पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, आप सुनते चलना, कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें हमारा एक लेक्चर और लग जाएगा हालांकि, जिसमें मैं आपको इनके अभी क्लासिफिकेशन क्लास पढ़ना है हमें, पाइनस, साइकस, अलग अलग इसकी जो क्लास होती है उनको भी एक में और देख लेंगे हम। सबसे प्राचीन बीजीय पादप होते हैं इन, इस ये शब्द किसने दिया है, थियोफ्रेस्टस ने दिया है, नग्न बीजी पादप होते हैं, इन पादपों में फल का निर्माण नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फल नहीं लगते हैं इनमें, एक एक चीज़ सुनते चलना। इनके बीजों के चारों तरफ किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है, आवरण मतलब जो बीजांड हमने पढ़ा था, अंडा से भित्ति नहीं पाई जाती है इनके चारों ओर, ठीक है। बीजाणु युक्त पादपों को बोला जाता है स्पर्मोफाइटा, क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइटा, बीज युक्त पादप होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनावृत बीजी, एक आवृत बीजी, अनावृत बीजी हम जिसमें से पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म बीजांड के चारों ओर अंडाशय की भित्ति नहीं पाई जाती है, मैंने आपको बताया, ये पौधे सीमित क्षेत्रों में अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, भारत में हिमालय के ढलानों पर पाए जाते हैं, देवदार देखें हमने, चीड़ के पेड़ भी देखें, पहाड़ों के ढलानों ठंडे क्षेत्रों पर उगने वाले पौधों को जेरोफाइटिक बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, शुष्क पानी की कमी वाले पादप होते हैं, जेरोफाइटा पूछ लेगा कभी कभी, ठंडे प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, पानी की कमी वाले प्रदेशों में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, जेरोफाइटिक बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूण व बीज का निर्माण होता है परंतु फल नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म संवहनीय पौधे होते हैं अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोयम ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोयम में सहसाथी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं।
ये याद रखना है। अपवाद, अपवाद में हमने देखा है भैया नेटम, जी से चालू होता है इसका नाम, नेटम, इफेड्रा एंड वेलविसिया। वेलविसिया में वाहिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना इनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। संवहन पुल मतलब जो इनमें, संवहन पुल मतलब पानी ले जाने वाली जो तना रहता है उसमें कैम्बियम एधा उपस्थित होता है, इसीलिए इन पौधों में क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है और ये पादप काष्ठीय होते हैं। ज़्यादातर वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, कोई भी पेड़ वृक्ष के रूप में तब पाया जाएगा जब उसमें कैम्बियम होगा, एधा होगा, तो इनमें कैम्बियम पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के बाद में एक दो बार रीड कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊं तब आपको समझ में आए सारी चीज़ें। जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप शरीर बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइटिक होता है, और वो भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में जड़ तना पत्ती में शरीर विभक्त होता है, जड़ मूसला वाली पाई जाती है। अपवाद, कुछ पौधों में कवक मूल पाई जाती है, माइकोराइजा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वह लिखा हुआ दिखा रहा हूँ ताकि भविष्य में आप पीडीएफ पढ़ सको। जड़ कवक से जुड़ी होती है, उदाहरण पाइनस में, और कोरेलोइड रूट मतलब यहाँ पर हमने ग्रंथिल जड़ों के नाम से जानते हैं, इन जड़ों की, इन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे साइकस, साबूदाना। क्लियर? आप देखो लाइफ साइकिल में हमने बात करी, सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु हेटेरो स्पोरस पादप होते हैं, लघु बीजाणु बनाते हैं जिन्हें हम लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजिया किस पर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ध्यान से सुनना, इनके अंदर क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। और गुरु बीजाणु का बनते हैं, गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, माइक्रोफिलस और मेगा स्पोरोफिलस पर, मतलब जो पत्ते होते हैं लघु और दीर्घ पर्णवृत्त पर पाए जाते हैं। लघु बीजाणु नर परागकरण युग्मक बनाते हैं, और लघु बीजाणु धानी को परागकोष कहते हैं। ये मैंने आपको इसमें पूरा कहाँ चला गया, इसमें व्यवस्थित आपको बताया है पूरा का पूरा, इसको भी एक बार आप रिवाइज करना है, ठीक है। गुरु बीजाणु मादा युग्मक बनाते हैं, गुरु बीजाणु को बीजांड भी कहते हैं। नोट, दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया अलग अलग प्रकार के बीजाणुपर्ण स्पोरोफिलस बनाती हैं, मतलब अलग अलग बीजाणुपर्ण, मतलब एक लघु और एक गुरु। लघु वाली सारी चीज़ें लघु पर चल रही हैं, गुरु वाली सारी चीज़ें किस पर चल रही हैं, गुरु पर चल रही हैं, इतना आपको याद रखना है। अब इनका महत्व क्या होता है तो ये भी एक बार देख लो, ताकि हमारा नया जो लेक्चर रहे वो पूरा फैक्चुअल रहेगा। साइकस के द्वारा साबूदाना प्राप्त किया जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो साइकस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में। साबूदाना किस पेड़, किस प्रकार की वनस्पति से प्राप्त किया जाता है, तो जिम्नोस्पर्म। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से क्या होता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। देवदार के पेड़ से सेड्रस तेल प्राप्त किया जाता है, सेड्रस तेल पूछ, सेड्रस चंदन का नहीं है ये तेल, याद रखना। देवदार के पेड़ से कौन सा होता है, सेड्रस ऑयल प्राप्त किया जाता है, जबकि तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है, रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट बनाने में किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है, सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, बस सुनते चलना। चीड़ से चिलगोचा जैसा पौष्टिक फल निकलता है, फल नहीं है हालांकि, ये बस चिलगोचा नामक पदार्थ निकलता है जिसे खाने में अच्छा लगता है। शायद आप लोगों में से किसी ने चिलगोचा खाया हो, हमने तो आज तक चिलगोचा नहीं खाया, या खाया भी हो तो पता नहीं है, इसका नाम सुना होगा। देवदार तथा चीड़ की लकड़ी लुगदी और कागज बनाने में यूज होती है, याद रखना, लुगदी और कागज। हाँ, नहीं खाया होगा अधिकतर लोगों ने, तो इसकी जो लुगदी होती है ना, इनकी लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं अभी कि आप गेट वगैरह बना पाओ, तो लुगदी वगैरह बनाने में, पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, लेकिन फुसंडे टाइप के होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते, लेकिन जो कठोर होते हैं कुछ, उनका उपयोग अच्छी जगह किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर और एक बीच में गैप होता है, तो हम आगे वो भी देखेंगे। देखा हुआ है आपने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नेम से एनिमल लग रहा है चिलगोचा, नहीं नहीं फल है, एक प्रकार फल भी नहीं बोल सकते भाई, आप याद रखो फल टाइप का है। और देखो भाई, ये पूछेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, इस प्रकार का होता है। देखो साइकस में कायिक जनन, अब ध्यान से सुनना, अब ये यहाँ से हम कल देखेंगे, आप ध्यान देना,
ये हम कल देखेंगे, ये क्या होता है, बलविल क्या होता है, सारी चीज़ें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, आज शाम को 9 बजे क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन रहेगा यूट्यूब पर, और अभी के लिए इतना ही। कल हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा क्या रहेगा, फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से प्रश्न पेपर में निकल के आते हैं। चलिए, तो हमने कल बात कर ली थी जिम्नोस्पर्म के अंदर कि ये नग्नबीजी होते हैं, ये नाम थियोफ्रेस्टस ने दिया है। सबसे पहला बीज वाले संवहनीय पादप होते हैं, संवहनीय होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जो जाइलम है उसके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब मतलब साथी कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, साथी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इतना हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ अपवाद भी देखे थे। अपवाद में हमने बेलविसिया पढ़ा था, एफेड्रा पढ़ा था, नीटम पढ़ा था। नीटम, बेलविसिया, एफेड्रम, इन तीनों के अंदर क्या होती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है इसको भी अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। इसको भी क्या किया जाता है, अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है। तो इसको कितने ग्रुपों में बांटा जाता है, 2 ग्रुपों में बांटा जाता है। चलिए अब हम हमारे बोर्ड पर समझते हैं पहले, फिर बाकायदा लिखा हुआ देखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जिम्नोस्पर्म को कितने ग्रुप में बांटा जाता है, तो आप बोलोगे जिम्नोस्पर्म को 2 ग्रुपों में बांटा जाता है। जिम्नोस्पर्म, तो याद रखना जिम्नोस्पर्म को दो ग्रुप कौन कौन से आ जाएंगे, नाम एक दो बार आप लेते चलोगे तो आपको याद हो जाएंगे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साइकेडोफाइटा, एक कौन सा आएगा, साइकेडोफाइटा। ठीक है, नाम लेते चलना सभी लोग, टू टू टू, बहुत बढ़िया। तो एक आ जाएगा साइकेडोफाइटा आ जाएगा, और एक कोनीफेरोफाइटा आ जाएगा। कौन सा आएगा, कोनीफेरोफाइटा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना, क्योंकि लोग पहले वाला पढ़कर छोड़ देते हैं। और ये पहला पार्ट पढ़ाया, उसके बाद ये इसका दूसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये दोनों हमारे वर्तमान समय में देखे जाने वाले पेड़ पौधों में आते हैं। और ये हमने देखा था कहाँ पाए जाते हैं, तो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, आप सभी को इतना पता है। ठीक है, साइकेडोफाइटा हो जाएगा हमारा, और कोनी, सर जी कल की क्लास में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास में नहीं आ पाए थे, तो आज की क्लास कल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान देना, जो साइकेडोफाइटा होते हैं इसमें कैसे आते हैं, छोटे पौधे आते हैं। और इनका तना कैसा रहता है, ध्यान से सुनना, इनका तना काष्ठीय रहता है, मतलब काठ, अब इनके अंदर लकड़ी आ गई, बुढ़ी आ गई, तो तना कैसा रहेगा, छोटे पौधे आते हैं, तना कैसा रहता है, तना काष्ठीय रहता है, काष्ठीय मतलब बुढ़ी रहता है। तना कैसा होता है, काष्ठीय होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनका जो काष्ठ रहता है, लकड़ी रहती है, वो लकड़ी कैसी रहती है, तो इनकी जो लकड़ी रहती है वो मोनोजाइलिक रहती है। इसका मतलब क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मोनोजाइलिक। अब आप बोलोगे सर मोनोजाइलिक का मतलब क्या होता है, तो मोनोजाइलिक का मतलब होता है लूज और सॉफ्ट। याद रखना, मोनोजाइलिक का मतलब क्या होता है, लूज और सॉफ्ट होती है। मतलब सीधी सीधी बात की जाए तो कमजोर और मुलायम, मुलायम मुलायम लिख देता हूं, मुलायम। तो पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसके ग्रुप कितने होते हैं, कितने ग्रुपों में बांटा जाता है इसे, कितने ग्रुपों में। जैसे हमने ब्रायोफाइटा में पढ़े थे ग्रुप, 3 ग्रुपों में देखा था हमने उसे, फिर हमने टेरिडोफाइटा में देखा था कि उसको भी अलग अलग ग्रुपों में बांटा था, 4 ग्रुप से। और यहाँ पर कितने ग्रुपों में बांटा है, 2 ग्रुपों में बांटा है, एक साइकेडोफाइटा हो जाएगा और एक कोनीफेरोफाइटा आ जाएगा। साइकेडोफाइटा में छोटे पौधे आएंगे, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं रहेगी, छोटी रहेगी।
तना कैसा रहेगा? काष्ठीय रहेगा, बुड़ी रहेगा। और तना कैसा रहता है? मोनोजाइलिक रहता है। मोनोजाइलिक का मतलब होता है सॉफ्ट रहेगा, लूज रहेगा, मुलायम रहेगा। इतना आपको याद करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पहले इसको पढ़ रहे हैं फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। अब जो साइकेडोफाइटा होता है ना, इसको क्या किया जाता है, इसको चार वर्ग में डिवाइड किया जाता है। इसके कितने होते हैं? फोर ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होते हैं? वर्ग। यहाँ से पेपर में प्रश्न निकल के आता है, ध्यान से सुनना। कितने होते हैं? चार वर्ग होते हैं इसके, फोर ऑर्डर होते हैं। अब चार वर्ग के नाम याद रखना, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब चार वर्ग देखो, चारों वर्गों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। इतना देखो, इनके नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे। साइकेडोफ्लिकेल्स, साइकेडो फ्लिकेल्स, पेपर में ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, तो साइकेडोफ्लिकेल्स इनके अंतर्गत पढ़ेंगे अभी हम। बस आप सुनते चलना, धैर्य रखना, विश्वास रखना कि अभी जैसी मैं पढ़ा के ख़त्म होऊंगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये नाम थोड़े से अटपटे लगेंगे लेकिन आपको याद करने हैं। सिर्फ एक बार पढ़ो कि जो साइकेडोफाइटा रहता है, इसके चार ऑर्डर होते हैं। इसके तीन ऑर्डर होते हैं, चार तो उसके रहेंगे। ये क्या सर, आप इससे अच्छा तो बताते ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, चार सरल है, नाम याद रखने। इसके तीन हैं, तीन। लो, और सरल कर दिया मैंने आपको, टेंशन ही ख़त्म कर दिया। हटाओ, एक कम कर दिया मैंने। तो आप ध्यान देना, साइकेडोफ्लिकेल्स हो जाएगा। दूसरा कौन सा जाएगा आपका? तो दूसरा आ जाएगा आपका, ध्यान देना, बेनी टाइटेल्स। सर ये होते ही क्या हैं, अभी देखो तुम। बेनी टाइटेल्स आ जाएगा, साइकेडोफ्लिकेल्स, बेनीटाइटेल्स। और अपना तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा साइकेडेल्स। याद रखना, साइकेडेल्स आ जाएगा, साइकेडेल्स। क्लियर? मतलब हमने देखा कि जो साइके, देखो साइके, साइके नाम से दोनों आ गए तो आपको वैसे ही आ जाएगा। तो साइकेडोफाइटा के अंतर क्या आ जाएगा? साइकेडोफ्लिकेल्स आ जाएगा, बेनीटाइटेल्स आ जाएगा और साइकेडेल्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है? तो सबसे पहले साइकेडोफ्लिकेल्स में क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो याद रखना, ये सभी बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। याद रखना, ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। मतलब आज से कई हजार लाखों वर्ष पहले ये पादप देखने मिलते थे। वर्तमान समय में हम इन्हें जीवाश्म के तौर पर, इनके निशान मिल जाते हैं तो जीवाश्म के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, चलिए जो हम बात करने वाले हैं साइकेडोफ्लिकेल्स के बारे में, तो नए पेज पर चलें क्या? नए पेज पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। पहले इतना देख लो, एक बार इसको देख लो जल्दी से। हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप कौन सा आ जाएगा? साइकेडोफाइटा। ये आपको कोई भी किताब में देखने नहीं मिलेंगे, ये बहुत सारी जगह से रिसर्च करके चीज़ें एक साथ आपके लिए लाई गई हैं और पेपर में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप देख लेना, कहीं भी आपको कोई नहीं बताएगा साइकेडो, ठीक है? साइकेडोफाइटा, ये छोटे पौधे आते हैं, तना काष्ठीय होता है, मोनोजाइलिक होता है। तना कैसा होता है? मोनोजाइलिक होता है, और जो कि लूज और सॉफ्ट होता है। इनको तीन वर्गों में बांटा जाता है, साइकेडोफ्लिकेल्स, बेनीटाइटेल्स और साइकेडेल्स, ठीक है? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक को पढ़ने वाले हैं। चलो अब हम कौन सा देखने वाले हैं सबसे पहले? तो हम बात करने वाले हैं साइकेडोफ्लिकेल्स, क्योंकि आपको क्या करना है, पेपर पास करना है और आपके पेपर में ये आएगा। तो आपको, मैं याद रखूँ ना रखूँ, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखना, साइकेडोफ्लिकेल्स के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये सभी विलुप्त हो चुके हैं, याद रखना। इनके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जो क्या हो चुके हैं, सभी विलुप्त हो गए हैं, सिर्फ जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी, इसके सभी पादप, ऐसे लिख देता हूँ, इस वर्ग के सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं, इस वर्ग के
सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त हो चुके हैं। अब विलुप्त हो गए हैं तो अब क्या है, इनको ढूंढा जा रहा है, तो ये किसके रूप में मिल रहे हैं, जीवाश्म के रूप में मिल रहे हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इसके अंतर्गत सिर्फ जीवाश्म आते हैं। क्या आते हैं, सिर्फ जीवाश्म। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्म किसके अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंतर्गत सिर्फ जीवाश्म आते हैं। सिर्फ कौन आते हैं, जीवाश्म आते हैं, जीवाश्म आते हैं। और सबसे पहले याद रखना, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें नग्न बीज के नाम से भी जाना जाता है। या फिर ये देखो, शुरुआत थी ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी थे। इनमें फर्न जैसी संरचना भी पाई जाती थी, इसीलिए इनके बीज को सीड फर्न के नाम से भी जाना जाता है। नग्न बीजीय फर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है सीड फर्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे इन्हें सीड फर्न भी कहा जाता है। इन्हें सीड मतलब बीज पाए जाते हैं, सीड फर्न भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर फर्न तो किस में आ रहा था, टेरिडोफाइटा में आ रहा था, इसीलिए टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी माने जाते हैं। टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी, जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी माने जाते हैं, बीच की कड़ी। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा कल, तो याद रखना आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने मिलेंगे। अगर आप याद रख पाओगे सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, तो सबसे पहले हमने दो ग्रुप देखे। दो ग्रुप में से हमने क्या देखा है कि भैया तीन वर्ग हैं, जिसमें से हम साइकेडो फ्लिकेल्स वर्ग को पढ़ रहे हैं। इस वर्ग के सभी पादप पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इनके जीवाश्म देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसके अंतर्गत सिर्फ जीवाश्म आते हैं। तो पेपर में आएगा क्वेश्चन कि जीवाश्म पौधे या ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत जीवाश्म पौधे आते हैं, या फिर जीवाश्म जिम्नोस्पर्म आते हैं, या नग्न बीज करके पूछ सकता है। तो नग्न बीज सीड फर्न बी से कहा जाता है, टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी से माना जाता है। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल हमें जानने को मिला है, जिसका नाम है लाइजिनोप्टेरिस। याद रखो आप, तो एक नाम लाइजिनोप्टेरिस हिंदी में लिख देता हूँ, वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइजिनोप्टेरिस। याद रखना यही पौधा इसका ज्ञात है, ये भी जीवाश्म में एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण कि जीवाश्मों का नाम अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो लाइजिनोप्टेरिस। एक दो बार बोलते चलना तो काम हो जाएगा, लाइजिनोप्टेरिस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए, तो साइकेडो फ्लिकेल्स भी हमारा इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब दूसरा वर्ग, चलो यहीं की यहीं मैं समझा देता हूँ। दूसरा वर्ग ये क्या था, पहला था, यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट आ जाएगा। बेनीटाइटेल्स आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, हमने देखा था बेनीटाइटेल्स। ठीक है, ये भी क्या हो चुके हैं, ध्यान से सुनना, ये भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। तो सर ये क्यों बताया, बस एक लाइन के लिए बताना पड़ रहा है मुझे इसको, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। तो सर इसको क्यों पढ़ा रहे हो, इसी में तो लिखवा देते। नहीं, इसमें इसलिए नहीं लिखवा सकता क्योंकि जो भारतीय वैज्ञानिक है ना, बीरबल साहनी, उन्होंने इसका एक पौधा खोज निकाला है, एक जीवाश्म खोज निकाला है, भारतीय वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है, बीरबल साहनी, विलियम सोनिया करके।
विलियम सोनिया, इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, विलियम सोनिया, विलियम सोनिया, याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, विलियम सोनिया करके एक पौधा आ जाएगा, जीवाश्म पादप है ये भी, कौन सा है जीवाश्म पादप पूछ लेगा, जीवाश्म पादप निम्न में से कौन सा है, तो ये जीवाश्म पादप है। और किसने खोजा है, तो याद रखना इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने की है, खोज किसने की है, भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी, भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी, याद रखना बीरबल साहनी, इनका नाम पूछ लेता है, भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने खोज की है, ने खोज की, खोज की। तो याद रखना साइकेडोफाइटा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, और साइकेडोफाइटा के अंतर्गत हमने दो पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, साइकेडोफिलिकेल्स पढ़ लिया, बेनिटाइटेल्स पढ़ लिया, अब बचा है साइकोडेल्स बचा हुआ है, कौन सा बचा है, साइकोडेल्स बचा हुआ है, तो देखो मैं लिखा निकाल के दिखा देता हूँ, अब देखो साइकेडेल्स है को नहीं, साइकेडेल्स आ जाएगा आपका। तो हमने दो बात कर लिए, साइकेडोफिलिकेल्स ये जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, बेनिटाइटेल्स भी पूर्ण रूप से समाप्त तो हो चुके हैं, लेकिन विलियम सोनिया करके भारतीय वैज्ञानिक ने खोजा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पढ़ना है, साइकेडेल्स, कौन सा पढ़ना है, साइकेडेल्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इतना क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्या हो रहा है, चलिए ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है, और प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे तब आपको पता चलेगा, किसी को कठिन तो नहीं लग रहा। आपसे पूछा जाएगा कि मोनोजाइलिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो साइकेडोफाइटा के अंतर्गत पाई जाती हैं, याद रखना। मोनोजाइलिक जड़ें कैसी होती हैं, लूज और सॉफ्ट होती हैं, और इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ये इनके अंदर वो सारे के सारे कैसे होंगे, मोनोजाइलिक जड़ों वाले होंगे। जैसे कि साइकस भी कैसा होता है, साइकस, साइकस की बात करें, अभी साइकस आएगा याद रखना, तो साइकस भी कैसा होता है, लूज एंड सॉफ्ट, मुलायम, ध्यान से सुनना, इसकी लकड़ी कैसी होती है साइकस की, वो मोनोजाइलिक होती है, साइकस की लकड़ी भी कैसी होती है, मोनोजाइलिक। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, साइकेडेल्स, चलिए साइकेडेल्स, तीसरा साइकेडेल्स। अब साइकेडेल्स के अंतर्गत भी क्या आएगा बताओ, अभी तक सारे के सारे जीवाश्म आ रहे थे, इसके अंतर्गत कैसे आएंगे, जीवित जीवाश्म के रूप में, याद रखना। मतलब ये पौधे कई हजारों लाखों वर्ष पहले भी पाए गए थे जो इसके अंतर्गत आएंगे, और वो आज भी पाए जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जीवित जीवाश्म पौधे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नॉर्मली जीवाश्म की बात करें तो फिलिडी कौन सा आ जाएगा, नाम भी याद रखना पड़ेंगे, मुझे भी रखने पड़ेंगे, साइकेडोफिलिकेल्स के अंतर्गत आएंगे जीवाश्म वाले, लेकिन जीवित जीवाश्म वाले किसके अंतर्गत आएंगे, साइकेडेल्स के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत जीवित जीवाश्म पौधे आते हैं, कैसे पौधे आते हैं, ठीक है, इसके पौधों को, या फिर हम बोल सकते हैं जीवित जीवाश्म बोला जाता है, इसके पौधों को या इस वर्ग के पौधों को जीवित जीवाश्म, याद रखना ये बार बार पूछा जाता है, जीवित जीवाश्म, या भी आपको मजाक लग रहा होगा ये प्रश्न जब आप पेपर में देखोगे ना, क्योंकि पेपर वाला तो फेल करने ही बैठा है, जीवाश्म में ये वाला सा आएगा ना, ठीक है देख लेना, जीवाश्म के लगा दूं, देख लेना, ठीक है, इस पौधे को जीवित जीवाश्म, इसके पौधों को, मतलब इस वर्ग के पौधों को जीवित जीवाश्म बोला जाता है, बोला जाता है, या फिर कहा जाता है, याद रखना। बीरबल साहनी ने जो पौधा खोजा है विलियम सोनिया, हाँ उसके बारे में कुछ, विलियम सोनिया एंड बीरबल साहनी दो दो किसका नाम है, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात, विलियम सोनिया एग्जाम्पल है, पौधा है, पौधे का नाम है विलियम सोनिया, जो कि जीवाश्म पादप है, जो कि क्या है, जीवाश्म पादप है। इसे किसने खोजा है, इसे भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने खोज की है, इसकी भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने खोज की है, ओके चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं तो पूछते चलना आप लोग, ऐसा मत करना कि ना आए।
ठीक है। इसके इसके मतलब इस वर्ग के पौधों को जीवित जीवाश्म बोला जाता है, मतलब ये कई साल पहले भी थे और आज भी हैं, ये कई साल पहले भी थे और आज भी विद्यमान है। जीवित जीवाश्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई साल पहले भी थे और आज भी विद्यमान है, और आज भी विद्यमान है। 100 साल पहले भी हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये किस पर लागू हो रहा है, जीवित जीवांश पर लागू हो रहा है, मतलब ये कई साल पहले भी थे और आज भी है। और नाम याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा जाएगा आपका, साइकस। एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, साइकस, साइकस। और क्या आ जाएगा, एक और याद रख लो आप, इसमें आ जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म, तो जिमिया पैगमिया नाम करके आ जाएगा, लिख देता हूं मैं, जेमिया पिग्मिया, जेमिया, जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया, याद रखना जेमिया पिग्मिया, सबसे छोटा, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। 25 सेंटीमीटर के लगभग इसकी क्या होती है, पूरी की पूरी लंबाई होती है, जेमिया पिग्मिया, याद रखना सभी लोग इतना, ठीक है। 25 सेंटीमीटर लंबा ये पौधा होता है, बाकी पूरी की पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है, साइकस। अब देखो यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, सबसे पहला जेमिया पिग्मिया आपको याद रखना है कि सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा। अब प्रश्न निकल के आते हैं, याद रखना अधिकतर साइकस से, साइकस सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आएगा अभी, शिकोया सिम्परवेरेंस होता है सबसे बड़ा, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें छोटे छोटे पौधे आते हैं। कहाँ चला गया इस वर्ग, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए इसमें कैसे पौधे आते हैं, टैटड़ें कुछ तो काट रहा है, चलिए छोड़ो, आप ध्यान देना, इसमें छोटे छोटे पौधे आते हैं, इसलिए सबसे छोटा पौधा इसी के अंतर्गत आ रहा है, याद रखना। हमने देखा साइकेडोफ्लिकल्स, ये विलुप्त हो चुके हैं, बेनिटाइटल्स ये भी विलुप्त हो गए, लेकिन विलियम सोनिया नामक पौधा किसने खोजा, बीरबल सानी ने। जीवित जीवाश्म के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे साइकेडेल्स को जाना जाता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा साइकेडेल्स वर्ग के एग्जाम्पल बताओ, या फिर आपसे पूछेगा साइकस किस में आता है, तो साइकस साइकेडेल्स वर्ग के अंतर्गत आता है, और साइकेडेल्स किसके अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे वो साइकेडो, साइकेडोफाइटा के अंतर्गत आता है, याद रखना साइकेडोफाइटा किस में आता है, तो साइकेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। क्लियर, क्लियर, चलते हैं आगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड एंड में आपको पूरी भाषा समझ में आ जाएगी, बस एंड तक आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखिए आप अब अच्छे, कोई बीएससी लेवल के एग्ज़ाम देने वाला है, संविदा शिक्षक देने वाले हैं, कोई टीजीटी, पीजीटी, बिहार बीपीएससी, एसटेट की डेट आगे बढ़ चुकी है, आपको पता अभी कुछ ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता, लेकिन बता दिया जाएगा आपको, तो कभी भी कुछ भी एग्ज़ाम होंगे आपके यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, याद रखना। साइकस में सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है, बहुत बढ़िया, चलिए राम भास्कर जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने जो आपको पढ़ाया था साइकस के अंदर, देखते हैं कितने लोग ईमानदारी से बता पाओगे, इसमें जड़ें कैसी पाई जाती हैं भाई, जड़ कैसी पाई जाती है साइकस के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था जड़ें कैसी पाई जाती हैं, कवक मूल पाई जाती हैं या फिर प्रवाल मूल पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्रवाल मूल क्या होती हैं, प्रवाल मूल जल्दी बताइए, प्रवालाभ मूल बोलते हैं, प्रवालाभ मूल, मैंने हिंदी सर्च किया था, प्रवालाभ मूल, हाँ आसान नाम ही तो है ये, हाँ कोरेलॉइड, कोरेलॉइड सभी ने आंसर दिया है, कोरेलॉइड रूट पाई जाती है, प्रवालाभ मूल पाई जाती है, कौन सी, प्रभा, प्रभा लाभ मूल पाई जाती है, ठीक है, प्रभा लाभ मूल करके इसका नाम आता है, मैंने सर्च की प्रभा लाभ, प्रभा नहीं सॉरी, एक मिनट रुकना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रभा लाभ, प्रभा,
प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह लाभ हिंदी नाम आ जाएगा, प्रवाह लाभ मूल, प्रवाह लाभ मूल बोले तो कोरेलॉइड, कोरेलॉइड, कोरे, कोरेल, कोरेलॉइड, ठीक है, कोरेलॉइड, कोरेलॉइड मूल होती है, प्रवाह लाभ मूल पाई जाती है। प्रवाह लाभ मूल का मतलब होता है कि इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, इनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, क्या पाया जाता है, साइनो बैक्टीरिया पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, पाया जाता है। पेपर में पूछा जाएगा प्रवाह लाभ मूल किसमें पाई जाती हैं, कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं, ठीक है, कोरेलॉइड रूट इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है, रूट इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब जो साइकस होता है ना, साइकस, इसमें आपको याद रखना है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कृत्रिम रूप से साबूदाना जो प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, जैसे भी पूछे तो आपको आंसर देना है कि सर साबूदाना भी इसी से बनाया जाता है, साबूदाना खाया है साबूदाना, तो साबूदाना प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। अब आप देखोगे जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म वाले पौधे होते हैं उनमें कायिक प्रजनन नहीं होता है, कायिक प्रजनन उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन साइकस जो है ना, साइकस, साइकस में क्या होता है, इसका जो पत्रक वाला भाग होता है, याद रखना, इसको बोलते हैं बल्विल, बल्विल मतलब इसका जो बल्विल वाला भाग होता है, और हिंदी नाम क्या बोल दिया जाता है बल्विल को, कहीं ना कहीं पत्रकंद, याद रखना, पत्रकंद मतलब इसमें एक भाग होता है पत्ते जैसा, उसको निकाल के अगर आप कहीं पर भी लगा देते हैं तो वो उग जाता है, तो याद रखना इसमें कायिक जनन भी होता है, एकमात्र पौधा है जिसमें कायिक जनन होता है जिसका नाम है साइकस। तो साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्रकंद के द्वारा होता है, बल्विल के द्वारा होता है, याद रखना। हाँ, साबूदाना की खिचड़ी भी बनती है, खीर भी बनती है, आप सभी लोगों ने खाई होगी, ठीक है। तो कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है, पत्रकंद के द्वारा होता है, याद रखना। वैसे जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, साइकस में कैम्बियम से साबूदाना, हाँ कैम्बियम, क्योंकि इनमें कैम्बियम पाया जाता है तो उससे क्या होता है, साबूदाना मतलब जो उसके तने वाला भाग होता है उसी से निकाल दिया जाता है इस पदार्थ को, तो याद रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें कायिक जनन, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्रकंद के। एक मिनट रुको यार, कुछ तो है, मक्खी है क्या, पत्रकंद, पत्रकंद, ठीक है। तो इनमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्रकंद, और पत्रकंद को क्या बोला जाता है, बल्विल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बी यू बल, बी आई एल, बल्विल, याद रखना, कभी कभी हिंदी में बल्विल लिख के दे देता है। वेजिटेटिव एंड सोमैटिक रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, वेजिटेटिव मतलब होता है कायिक होता है, और सोमैटिक याद रखना मतलब बीज से ही क्या बन रहा है, मतलब जो उसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो उतनी ही उतनी ग्रो कर रही है, सोमैटिक याद रखना, हमने पढ़ा था। वैसे अगर देखा जाए सोमैटिक सेल मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी होती है और पेड़ पौधों में भी, यहाँ गुणसूत्रों से वैसी की वैसी कोशिका बनती है, लेकिन कायिक जनन का मतलब होता है कि तोड़कर आप काया को लगा दो, जैसे हमारा हाथ तोड़कर कहीं गाड़ दें तो क्या पेड़ लगेगा, हाथ बन पाएगा पूरा शरीर नहीं, लेकिन इसमें अगर कट पिट जाते हैं तो सोमैटिक उसी के जैसा अंग तैयार हो जाता है, लेकिन पौधों में भी सोमैटिक होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कायिक का मतलब काया को तोड़कर लगाना, क्लियर, आगे भी हम बात करेंगे इसमें। तो आप देखो कायिक जनन पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसमें होता है, साइकस में होता है, और कायिक जनन पत्रकंद के माध्यम से होता है, के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बात पता लगाते हैं इसके बारे में, भास्कर जी ने अभी हमें बताया था, राम भास्कर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इसके अंदर जो अंडाशय होता है ना, एग होता है वो सबसे बड़ा होता है, और ओव्यूल जो होता है, हमने देखा था बीजांड जो पाया जाता है वो भी इसके अंदर सबसे बड़ा होता है, मतलब और इसका जो स्पर्म होता है मतलब नर युग्मक होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, माइक्रो
प्रोपोगेशन। देखो माइक्रो प्रूफ अपन ने दो प्रकार के देखे थे, एक मेगा और एक माइक्रो। तो मेगा हमने देखा था बीजाणु धानी, दो प्रकार की देखी थी। माइक्रो नर वाला भाग को बोला जाता है और मैक्रो मादा वाले भाग को बोला जाता है, याद रखना। और इसमें जो माइक्रो और प्रोपोगेशन मतलब परागकण के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। परागकण के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब इसको और ज़्यादा पूरी की पूरी चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। और कोई भी अगर आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन मिलता है तो आप हमें ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जो आपका ग्रुप है वहाँ पर और उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है अभय जी। आप सुनना मेरी बात, हम कहाँ पर आ गए थे, तो हमने देखा था इसमें सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है और सबसे बड़ा ओव्यूल बीजांड, इसमें सबसे बड़ा क्या पाया जाता है, अंडा से बोले तो ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर सबसे बड़ा एग भी पाया जाता है, अंडा भी पाया जाता है। अगर आपसे बात करें अंडा, वो कुछ भी लिख के दे सकता है आपको, तो तैयार रहना है। एग भी इसके अंदर सबसे बड़ा पाया जाता है। इसी के अंदर मेल गैमेट, सबसे बड़े मेल गैमेट भी पाए जाते हैं, नर युग्मक। सबसे बड़े क्या होते हैं, यही नीचे ही तो लिख देता हूँ, नर युग्मक। मेल गैमेट भी पाए जाते हैं, याद रखना। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, अंडा से पाया जाता है, याद रखना। सबसे बड़ा अंडा एग पाया जाता है और सबसे बड़ा नर युग्मक मतलब मेल गैमेट भी इसमें पाया जाता है। और जो मेल गैमेट होता है ना, याद रखना, सबसे बड़ा के साथ साथ क्या होता है, मल्टीफ्लेजलेट होता है, मतलब बहुपक्षमा भी होता है, बहुत सारे पीछे से चलने के लिए मतलब पीछे से भाग निकले रहते हैं, जिन्हें हम फ्लीजिएट बोलते हैं। तो हिंदी नाम क्या हो जाएगा, बहुपक्षमावी, और इंग्लिश में क्या जाएगा, मल्टी इंग्लिश नाम में लिख के लेके आया हूँ, फ्लेजलेट, मल्टी फ्लेजलेट स्पर्म पाया जाता है। मतलब नर युग्मक कैसा होता है, मल्टी फ्लेजलेट होता है, बहुपक्षमावी होता है, मल्टी फ्लेजलेट होता है, साइकस एग, ठीक है। साइकस के अंदर, और ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ और याद रखना, इसमें इस जो आप हमने पढ़ा था ना, मेल और फीमेल वाला जो भाग पढ़ा था, इसके अंदर जो फीमेल कोन होता है ना, फीमेल शंकु होता है, वो नहीं पाया जाता। ये एक चीज़ और याद रखना, अभी नीशू जी ने बोला है साइकस एग। हाँ, इसमें जो बीजांड रहता है वो तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मादा शंकु नहीं पाया जाता, जिससे क्या होता है, मादा वाला भाग विकसित होता है, वो मादा शंकु इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। फीमेल कौन, मैं लिख देता हूँ, ये पूछा जाता है, इसमें मादा शंकु फीमेल कौन नहीं पाया जाता है, याद रखना, नहीं पाया जाता है फीमेल कौन इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है, याद रखना। और इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्र कंद के माध्यम से होता है। पेपर में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कठिन लगेगा, और सब लोग बता देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, इतना जब याद रखी रही हो तो जगह खाली है, उसको और भरी ही देते हैं अपन। साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है, इतना आप लोग बता ही दोगे। अब मैं कौन सा कलर का पेन ले लूँ, ये वाला पेन ले लेता हूँ। आप ध्यान से सुनना, यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं इस लाइन को अपन, यहाँ पर अब देखो इसके अंदर क्या होती है, जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पर्ण मेखला बोलते हैं, ध्यान से सुनना। पर्ण मतलब पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक संचरण के लिए अजीब सी संरचना होती है, ओमेगा, देखा है ना ओमेगा, उसके जैसी एक संरचना रहती है इसकी पत्तियों के अंदर। इस प्रकार ऐसे आपने एक संरचना देखोगे इसके अंतर्गत जब पढ़ोगे आप, इस प्रकार की ऐसी संरचना आपको इसके अंतर्गत देखने मिलेगी। पत्तियों के अंदर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, याद रखना। और पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है हमसे, तो पत्तियों के अंदर जब ऐसी संरचना मिलती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, लो इसको नाम दे दिया जाता है पर्णमेखला, याद रखना, पर्णमेखला अनुपत मेखला, लावी तो लिखना है, पर्णमेखला अनुपत
इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? तो इंग्लिश नाम होता है जी आई आर डी आई एन जी। याद रखना इसका नाम क्या होता है, एल आई एन जी गर्डलिंग। ध्यान सुनना, जी आई आर डी एल आई एन जी इंग्लिश में भी कभी आ जाए गर्डलिंग लीफ, गर्डलिंग लीफ। और क्या आ जाएगा, ट्रेसेस, T R A C E S ट्रेसेस। तो याद रखना दोनों में बता दिया मैंने। इसमें पर्ण मेखला अनुपात, मतलब इसको कभी चित्रात्मक रूप से दे दे, कैसे भी दे दे, इसके अंदर एक ओमेगा जैसी संरचना पाई जाती है। ये गहराई में अगर पूछ लेता है तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि TGT PGT में पूछ लेता है। तो याद रखना पर्ण मेखला अनुपात गर्डल लीफ ट्रेसेस पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, पाया जाता है। इतना इसके बारे में आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और साथ ही साथ बस इसमें क्या होता है, संचरण ऊतक भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, संचरण ऊतक, चीज़ों को भेजने के लिए इधर से उधर संचरण ऊतक पाए जाते हैं, संचरण ऊतक पाए जाते हैं। एक बार इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। संचरण ऊतक, ट्रांसफ्यूजन ऊतक, और ये कहाँ होते हैं, साइकस के पत्रक पर पाए जाते हैं। जो आप पत्रक देख रहे हो ना, कहाँ चला गया है, यहाँ पर हमने अभी पत्रक देखा था, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ये है पत्रकंद होता है ना, ऐसे ही इसमें क्या होता है, पत्तों के ऊपर जो पत्रक वाला भाग होता है, मतलब इसी के पत्ते वाले भाग पर ये पाया जाता है भेजने के लिए इधर से उधर, इसी वाले भाग में पाया जाता है। पर्ण मेखला जो पत्रक रहता है उसी के अंदर क्या होता है, संचरण ऊतक पाए जाते हैं। अब एक बार जल्दी से इसको देखो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऊतक किस में पाए जाते हैं, तो आप लोग बता दोगे इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ भाई, साइकस के अंदर, साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है, साइकस किस में आता है, साइकेडेल्स में आता है। और इसकी जो लकड़ी होती है ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, लूज होती है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्योंकि हम ये किसके अंतर्गत वाला भाग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा साइकेडोफाइटा के अंतर्गत वाला भाग। और साइकेडोफाइटा के अंतर्गत जो जड़ें पाई जा, वो मोनोजाइलिक वो पाया जाता है लकड़ी। मोनोजाइलिक का मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट वाली लकड़ी पाई जाती है, इसीलिए तो इससे साबूदाना प्राप्त कर लिया जाता है इसके कैम्बियम से। प्रवाल मूल, कोरेलॉइड मूल पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। चलिए, यस यस यस, सबको क्लियर हो गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि आप किताबों में ढूंढने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी और पता भी नहीं लग पाएगा। चलिए, सभी को क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो हमने तीनों पढ़ लिए, हमने इसके देखो साइकेडोफाइटा के तीनों पढ़ लिए। इसमें जिम्नोस्पर्म के दो ग्रुप होते हैं, एक साइकेडोफाइटा होता है, एक कोनीफेरोफाइटा होता है, जिसमें से हमने साइकेडोफाइटा में पढ़ा छोटे पौधे आते हैं। सबसे छोटे पौधे का नाम आप लोग बता पाओगे क्या, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा पौधा कौन सा है, बताइए। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा पौधा कौन सा है, चलिए बहुत बढ़िया, जेमिया पैगमिया आ जाएगा, या जेमिया पैगमिया करके आप बोल दोगे, जेमिया पैगमिया आ जाएगा। और इसमें से किसके अंदर आएगा, तो आप बोलोगे साइकेडेल्स में आएगा, क्योंकि सर साइकेडेल्स को क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, याद रखना ये अभी भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म बोला जाता है, याद रखो। और जो बेनीटाइटेल्स होते हैं ये सब विलुप्त हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं। साइकेडोफिलिकेल्स के अंतर्गत क्या आते हैं, जीवाश्म आते हैं, और ये क्या हो गए, विलुप्त ही हो चुके हैं। और ये शुरुआत वाले थे, इसीलिए फर्न के रूप में होते हैं, तो बीज फर्न या नग्न बीजीय फर्न के नाम से किसे जाना जाता है, साइकेडोफिलिकेल्स को जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कोनीफेरोफाइटा के बारे में। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया, अब हम बात करने वाले हैं कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा
ये आ जाएगा इसका दूसरा वाला ग्रुप। पहला वाला ग्रुप हमने देखा था साइकेडोफाइटा, ये दूसरा वाला ग्रुप कौन सा आ जाएगा? कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा। अब जो कोनीफेरोफाइटा होता है इसमें क्या पाई जाएगी, इसकी विशेषता क्या होगी? ये बड़े पौधे होते हैं, याद रखना। इनमें भी तना कैसा होता है? काष्ठीय होता है। ये इनमें इसके अंतर्गत बड़े पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत बड़े पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत बड़े पौधे आते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल। इसके अंतर्गत बड़े पौधे आते हैं, पौधे आते हैं, और बड़े पौधे आते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें तना, इनमें भी तना कैसा होगा? इनमें भी तना काष्ठीय होता है, क्योंकि हमने देखा था। क्यों काष्ठीय होता है? क्योंकि इनमें एधा कैम्बियम पाया जाता है। इनमें तना काष्ठीय होता है, काष्ठीय मुदले तो बुड़ी, बुड़ी काष्ठीय होता है। अब वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर मोनोजाइलिक था, यहाँ पर क्या जाएगा? पिकनोजाइलिक आ जाएगा। तना कैसा है? काष्ठीय है, लेकिन काष्ठीय में भी कैसा हो जाएगा? पिकनोजाइलिक आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पिकनोजाइलिक। तना कैसा आएगा? पिकनोजाइलिक। पिकनोजाइलिक का मतलब क्या हो जाएगा? पिकनोजाइलिक का मतलब क्या हो जाएगा? तो पिकनोजाइलिक का मतलब हो जाएगा हार्ड रहेगा। कैसा रहेगा? वहाँ पर लूज और सॉफ्ट था, यहाँ पर कैसा रहेगा? यहाँ पर रहेगा हार्ड, बोल सकते हैं हम, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड। इंग्लिश शब्द क्या आएगा? कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, बोले तो कठोर होता है। आपसे हिंदी में एक ही शब्द लिख के देगा, कठोर होता है। इसकी लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है, मतलब यहाँ से कठोरता वाली लकड़ी प्राप्त की जाती है और यहाँ से चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब इसके अंतर्गत अलग अलग ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत कोनीफेरोफाइटा होता है, इसके अंतर्गत कितने वर्ग पढ़ने वाले हैं? हम चार पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। और जो पिकनोफाइलिक है तो इसमें क्या जाएगा? इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे पाइनस, पाइनस। वैसे हम आगे और पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई बताइए, उधर आपने देखा था मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक में साइकस था, और इधर पिकनोजाइलिक में क्या जाएगा? पाइनस आ जाएगा। पाइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनस। क्लियर? अब आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसमें कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं? चार। नंबर ऑफ कोटिलोन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो जाइलम साइकस इज टू होता है। ये क्या चीज लिख दी आपने? थोड़ा बहुत बताइए हमें, कुछ नई चीजें क्या है बताओ, थोड़ा सा हिंदी में लिख के दो, हम सब समझ पाए इससे। चलिए, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड टू टाइप का ही, टू टाइप है क्या? नहीं, एक ही है। इंग्लिश में दो शब्द लिखे आते हैं, उसी को कॉम्पैक्ट बोल दिया जाता है और हार्ड बोल दिया जाता है। मतलब कठोर, दोनों शब्द ही किसको दर्शाते हैं? कठोर, हार्डपन को, सख्त, सख्तता को दर्शाते हैं। और उधर लूज और मुलायम वाला जो पार्ट था, लूज एंड सॉफ्ट, तो बात एक ही है, पर्यायवाची शब्द हो रहे हैं। हिंदी में एक ही नाम आ जाएगा आपका, कठोर। हिंदी में एक ही नाम आ जाएगा, कठोर। क्लियर? चलें आगे। ओके, चलिए, ओके, पाइनस। हाँ, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसके देखो चार बहुत इंपॉर्टेंट है कोनीफेरोफाइटा के, नाम याद रखना है सिर्फ आपको, और यहाँ से दो तीन एग्जांपल पूछता है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, वो आपको याद रखना है। कोनीफेरोफाइटा, ये सारी चीज़ें भले भूल जाओ, लेकिन इसके एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल हम जिम्नोस्पर्म के ही अंतर्गत मानेंगे कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा। ये सेकंड वाला ग्रुप आ जाएगा और इसके अंतर्गत चार वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? तो आप बोलोगे कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत चार वर्ग आते हैं। चार वर्ग के अंतर्गत, आप ध्यान देना, इनके हिंदी नाम नहीं मिले थे, इंग्लिश नाम ही है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं भले हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है? तो हिंदी नाम आ जाएगा जिकंगो, जिकंगोल्स, जिकंगोल्स, जी आई एन के, जी आई एन के, जी ओ एल ई एस, जी ओ एल ई एस। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिकंको गोल्स, याद रखना। हिंदी नाम क्या जाएगा?
देखो नाम क्या लिख देंगे अपन इनका, जिन कंगो, जिन कंगो, जिन कंगो, जिन जिन कंगोल्स, जिन कंगोल्स, एक दो बार पढ़ना, मैं भी नाम, मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। जिन कंगो, जिन कंगोल्स, क्या बोलोगे एक बार बोल के देख लो, जिन कंगोल्स, जिन कंगोल्स, जिन कंगोल्स, जिन कंगोल्स, बस आप इसके अंदर में जो बताऊँ वो याद रखना है, इसको भले भूल भी जाओ लेकिन आपको बस नाम याद रखना है कि इसके अंतर्गत चार ऑर्डर आते हैं, फोर ऑर्डर। देखो अगर याद भी ना रहे ना तो मैं जो बताऊँ बस वो याद रखना है, बस आप इसका नाम लो, पाइनस निडल टाइप होती है। हाँ अभ्याल हम देखेंगे बिल्कुल सुई के जैसी, इन जो कोनिडोफाइटा होते हैं ना इनके अंदर पत्तियाँ कैसी होती है, पत्तियाँ भी सुई के जैसी होती हैं सभी के अंदर, निडल टाइप पत्तियाँ कैसी होती हैं, सुई के जैसी होती हैं, सुई के जैसी, ठीक है, इस टाइप की है, इस टाइप की रहेंगी, ठीक है, पत्तियाँ ऐसी निकली रहती हैं बहुत सारी, अभी हम देखेंगे। जिंक गोल्स बोल दो आप, तो जिंक गोल्स बोल दो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब कॉर्डिएटेल्स, एक और क्या आ जाएगा, एक और नाम देखते हैं, एक और नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, सी ओ आर, ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा, कॉर्डिए, ठीक है, टेल्स, अच्छा इसमें प्रदर्शित हो रहा होगी आप बोर्ड में, चलिए ध्यान देना सर, आम लेके आए और आम तो सभी लोगों ने खाए होंगे, अच्छा नया वाला लाए हो कोई सा, मेरे कॉलेज में लगा है पाइनस और साइकर, बहुत बढ़िया, तो फोटो भेजना, लगवा देंगे आपका इसमें थंबनेल में, अब बाद में खाऊंगा, अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग नहीं खाओगे मैं ही खाता रहूँगा। चलिए नाम पढ़ते रहना, देखो आपको याद करना है, मुझे तो दो तीन बार नाम लेना है इसका, बस मुझे काम की चीज़ बतानी है आपको, वो मैं बताऊँगा लेकिन पहले एक बार ये बता देता हूँ, ठीक है। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आने वाले हैं वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिंक, जिनको गोल्स, जिनको, जिनको, जिन, जिकंगोल्स, जिकंगोल्स करके बोल देना, जिनकंगो, जिनकंगोल्स, जिनकंगोल्स लिख देता हूँ, ठीक है, जिनकंगोल्स। और ये क्या जाएगा, कॉर्डिएटेल्स, कॉर्डिए, कॉर्डिए, कॉर्डिएटेल्स पढ़ी लोगे, हाँ ठीक है, चलिए देख लोगे आप, चलो यहाँ ध्यान देना। अब आप काम की चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर तीसरे नंबर का कौन सा आएगा, कॉनी, याद रखना, कॉनी फेरल्स, कॉनी, सी ओ एन आई, नाम भी ऐसे ऐसे रखी है इन्होंने लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो पेपर में पूछेगा, कॉनी फेरल्स, इनके अंतर्गत अभी मैं आपको काम की चीज़ बता दूंगा तो बस टेंशन बिल्कुल मत लेना। और चौथा आ जाएगा जेनिटेल्स, जेनिटेल्स, जी ई एन ई, ये सरल सा लगा कैसा, जेनिटेल्स याद रखना, जेनिटेल्स, एस बी वही वाला बना देते हैं। चलो सर आपने दिखा दिया, मेरे मुंह में पानी आ गया, लो इसको फेंक ही देते हैं, फालतू ये रखा रहेगा यहां पर। हटाई दिया मैंने, काम खत्म, अब दिक्कत खत्म। अब सुनना, अब यहाँ से पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए सभी लोग फोकस करें, ये वाला पेन ले लेते हैं। देखो जिंकंग गोल्स जो रहता है ना, ये इस वर्ग कोनी फेरव फाइटा जो है ना, सब सब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ रहा है, ये भी समाप्त हो चुका है, ये भी, इसको भी क्या है, ये जीवित जीवाश्म के रूप में रखा जाता है, कई साल पहले भी था और आज भी है, याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, तो इसको भी सभी को याद रखना। ज़्यादातर पादप इसके क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ज़्यादातर पादप विलुप्त तो हो चुके हैं इसके, सिर्फ एक ही बचा है, विलुप्त तो हो चुके हैं, तो बचा कौन सा है, वर्तमान में जीवित जीवाश्म, जिकंगो बाई बोला, तो इसका नाम क्या जाएगा, आपको याद रखना है, जिकंगो, जिकंगो बाईवोला,
कौन बोला? जिकंगो बाई बोला, याद रखना ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ऐसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है, इसे भी जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है। जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, इससे पहले हमने दो और पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? साइकस पढ़ा था और जेमिया पिग्मिया, सबसे छोटा वाला, वो भी जीवित जीवाश्म हमने पढ़े थे। इसको भी जीवित जीवाश्म के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिकंगो बाई बोला, जिकंगो बाई बोला भी किसके अंतर्गत आता है? ये पेपर में पूछता है, जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है। और याद रखना इसका जो मेल गेमेट होता है ना, वो मोर्टाइल होता है, वो चल सकता है। तो एक चीज और इसके बारे में मुझे मिली थी, इसका मेल गेमेट नर युग्मक चलायमान होता है। नर युग्मक चलायमान होता है। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मोटाइल बोल सकते हैं आप। मोटाइल मेल गैमेट्स कैसा रहता है? मोटाइल होता है, नर युग्मक चलायमान होता है। जैसे स्पर्म आगे गति कर सकता है, ऐसे ये भी कर सकता है, बाकी और दूसरे में ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। कॉर्डिएटेल्स दूसरा वाला कौन सा जाएगा हमारा? कॉर्डिएटेल्स आ जाएगा। और ये सभी पौधे विलुप्त हो चुके हैं, ये सबसे अच्छा है, आपको कुछ याद नहीं रखना। इस वर्ग के सभी पौधे विलुप्त हो चुके हैं, मैं पहले ही बोल रहा था, सभी पौधे विलुप्त हो चुके हैं। अब आप बोलोगे, सर तो हमें पढ़ा क्यों रहे हो? बस आपको नाम बता रहा था मैं, ये नाम भले भूल भी जाओ, बस आपको ये याद रखना है। इसका एग्जांपल जिकंगो बाई बोला, जिकंगो बाई बोला जीवित जीवाश्म में, और इसके अंदर जो नर युग्मक होता है वो चलायमान होता है, मेल गैमेट। जिकंगो बाई बोला याद रखो, बस क्लियर बात। और यहाँ पर ये भले भूल जाओ कॉर्डिएटेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉनिफरेल्स होता है ना, कॉनिफरेल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा वर्ग होता है, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पौधे आते हैं। तो ये सबसे बड़ा वर्ग होता है, याद रखना, यह सबसे बड़ा वर्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉनिफरल्स आपसे पूछा जा सकता है, कॉनिफेरल्स आप बोल सकते हो, कॉनिफेरल सबसे बड़ा वर्ग होता है। और इसी में क्या होता है, पत्तियां सुई के समान पाई जाती हैं, वैसे सब में पाई जाती हैं, लेकिन जो आपका कॉनिफेरल्स रहता है ना, इसमें भी क्या होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, सुई के समान पाई जाती हैं, कॉनिफेरल्स नाम ले लो। ये सबसे बड़ा वर्ग होता है और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, याद रखना इसके एग्जाम्पल, सबसे बड़ा वर्ग है और एग्जाम्पल में तीन चार एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कैसे लिख दूँ मैं, इससे लिख देते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा इसके एग्जाम्पलों में, पाइनस। चीड़ का पेड़ सुना है क्या? चीड़ का पेड़ याद रखना, पाइनस चीड़ बोला जाता है, जिससे चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पाइनस आ गया, हिंदी में क्या बोलते हैं? चीड़, क्लियर। और एक आपने नाम सुना होगा सिड्रस, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? हिंदी में देवदार भी इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा, सिड्रस बोले तो देवदार। और एक और इसका एग्जाम्पल आएगा सिकोया सिंपरवेरेंस, या फिर सिकोया, याद रखना सिकोया दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, याद रखना। तीसरा कौन सा जाएगा इसका? सिकोया, यहाँ पर लिख देते हैं सिकोया सिंपरवेरेंस भी बोला जाता है, और सिकोया को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। क्या बोलते हैं? रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में ये बहुत पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे लंबा पौधा याद रखना, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा जाएगा जिम्नोस्पर्म में? सिकोया सिंपरवेरेंस आ जाएगा, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट आ जाएगा, सबसे लंबा पौधा आ जाएगा, 336 फीट तक ऊँचे रहते हैं, बहुत लंबे। फोटो भी डाले हैं मैंने, अभी आपको दिखा दूंगा इसमें, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। सिड्रस, देवदार से सिड्रस ऑयल भी प्राप्त किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। पाइनस चीड़ से क्या होता है? टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जिससे बारनेस वगैरह बनाई जाती है। सीधा पूछ लेता है टर्पेंटाइल
ऑयल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, टर्पेंटाइन, या वो बोल देता है कि बताइए चिलगोजा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एक फल होता है चिलगोजा, इसी से प्राप्त किया जाता है। अभी थोड़ा सा मैं पाइनस के बारे में और बता दूंगा आपको हल्का सा, अभी आप इसको और याद रख लो। जेनेटम, नीटम मीटम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना ये सबसे एडवांस होते हैं, जो हैं सबसे आधुनिक जिम्नोस्पर्म इसी के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। जेनिटेल्स, जेनिटेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा आधुनिक, सबसे आधुनिक जिम्नोस्पर्म इसी में आते हैं, सबसे आधुनिक, सबसे आधुनिक जिम्नोस्पर्म इसी के अंतर्गत आते हैं। और इनमें क्या होता है याद रखना, इनके सदस्यों में जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, इसके सदस्यों के जाइलम, जाइलम में वैसे वाहिकाएं नहीं पाई जाती जिम्नोस्पर्म में, तो इसके सदस्यों, इसके सदस्यों, सदस्य मतलब पौधों, इसके सदस्यों के जाइलम में वाहिका, जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। और वेसल्स किस किस में पाई जाती है, मैंने तीन नाम याद करवाए थे आपको, नीटम, सिफेड्रा, बेलविसिया, ये तीन नाम याद, सिफेड्रा नहीं, इफेड्रा, इफेड्रा, इफेड्रा और बेलविसिया, तीन नाम याद करवाए थे। उन तीनों को यहाँ पर इसके एग्जांपल में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे उदाहरण के अंदर, तो आप बोलोगे सर एक तो नीटम आ जाएगा, नीटम, या इसी को नीटम भी बोल देते हैं, नीटम बोल दो या नीटम बोल दो, अधिकतर कहीं कहीं नीटम ही आता है, नहीं बहुत सारे नीट का एग्जाम दे रहा हूँ, नीटम। और क्या जाएगा, आप बोलोगे बेलविसिया, बेलविसिया, बेलविसिया जाएगा। और एक एग्जाम्पल इफेड्रा आ जाएगा, क्या जाएगा, इफेड्रा। और याद रखना ये इफेड्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसे इफेड्रिन नामक दवाई बनाई जाती है, इफेड्रिन नामक दवाई खांसी जुखाम अस्थमा के लिए उपयोगी होती है। तो जो इफेड्रा होता है ये औषधीय होम्योपैथिक गुण वाला पौधा होता है, औषधीय गुण दर्शाता है, औषधीय गुण, औषधीय, सर्वाधिक औषधीय गुण दर्शाता है, औषधीय गुण वाला पौधा होता है, इफेड्रिन नामक दवाई प्राप्त की जाती है, ठीक है। सिकोया की सेल वॉल से पेनक्लाइन का टीका बनाया जाता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेंसिलिन, नहीं 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 नहीं, पेंसिलिन तो हमने कवक से प्राप्त किया था, पेनिसिलिनियम लोटाटम से प्राप्त किया था, याद रखना, पेनिसिलियम लोटाटम वो कवक था जिससे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन प्राप्त किया था, वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है, यहाँ पर अगर आप पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं तो पेनिसिलियम नोटाटम वो कवक है। यहाँ से अगर आपसे इतना कुछ पूछा जाए तो क्या आप लोग बता पाओगे, जल्दी से बताओ, जिससे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ पाइनस के बारे में, पाइनस, पाइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनस, पाइनस, अरे पाइनस, याद रखना पाइनस को क्या बोला जाता है, चीड़ भी बोला जाता है, चीड़ का पेड़, चीड़ भी बोलते हैं, चीड़ भी बोलते हैं, बोला जाता है चीड़ भी, क्या, चीड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इससे क्या होता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। और तारपीन के तेल को इंग्लिश में बोल दिया जाता है टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, वारनेस बनाने में, पॉलिश वगैरह, वारनेस हो गया आपका, पॉलिश वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, देख लेना, पॉलिश, वारनेस, पॉलिश वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देना, अब आगे बढ़ने वाले हैं, हमने पाइनस के अंतर्गत, और देखो अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो नर युग्मक होता है ना उसमें पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इसके नर युग्मक में क्या होता है, पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि इसका जो नर युग्मक होता है पराग कण होता है, याद रखना, वो पराग कण में क्या होता है, पंखनुमा संरचना पाई जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं पंख के रूप में, पंख के रूप में,
पराग कण पाए जाते हैं, पंख के रूप में पराग कण पाए जाते हैं। और इन पंखों को क्या नाम देते हैं ये भी याद रखना, पंख के रूप में पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण के पंख को, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया पराग कण के पंख को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्साइन। क्या कहा जाता है? ठीक है, एक्साइन के नाम से बोला जाता है, एक्साइन। तो पराग कण के पंख को एक्साइन बोला जाता है, बोला जाता है। अब इसके नर युग्मक में पंख हो रहा है तो इसका जो बीज बनता है वो बहुबीजपत्री होता है, मतलब उसमें क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं सल्क पाए जाते हैं, बहुबीजपत्री पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है, बहुबीजपत्री। अब इसका जो बीज बनेगा, इतने पराग कण हैं तो इसका बीज कैसा होता है, तो इसका बीज, ये भी याद रख लेना एक लाइन, इसका बीज बहुबीजपत्री, 8 से लेकर 14 तक उसमें सल्क पाए जाते हैं, बहु बीजपत्री। इसका बीज कैसा होता है, बहुत सारे पत्तों से ढका होता है, बहुबीजपत्री पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है पाइनस के बारे में। और पाइनस में लास्ट चीज़ याद रखना कि जो इसमें इसकी दो उपजातियां होती हैं, बहुबीजपत्री, हाँ बहुबीजपत्री मैंने लिख दिया है, बहुबीजपत्री है ये। अब इसकी दो प्रजातियां देखने मिलती हैं, पाइनस की दो प्रजातियां मिलती हैं, दो प्रजातियां पाई जाती हैं। अब दो प्रजातियों में से कौन कौन सी होती है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं दोनों के। एक होता है हेप्लोजाइलॉन, याद रखना हेप्लोजाइलॉन, हेप्लोजाइलॉन बस एक बार सुन लो तो आपको बाद में पेपर में अगर देखने आता है क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा होता है डिप्लोजाइलॉन, डिप्लोजाइलॉन याद रखना, इसकी दो प्रजातियां हैं हेप्लोजाइलॉन और एक डिप्लोजाइलॉन। अब आप बोलोगे सर कि इनमें क्या अंतर है, तो जो हेप्लोजाइलॉन होता है ये कठोर पाइनस होता है, कठोरता वाला होता है, कठोर पाइनस होता है, और ये कैसा होता है मुलायम पाइनस होता है, डिप्लो मुलायम पाइनस होता है। कभी आपसे पूछ ले तो आपको अब पूरी चीज़ें मैंने बता दी हैं, एक कठोर पाइनस होता है और एक मुलायम पाइनस होता है, ये याद रखना। इतनी सारी चीज़ें क्या अगर आपसे पूछी जाएं तो आप बता पाओगे? बताओ जल्दी से, आप ध्यान से सुनना, नेम मुश्किल कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक दो बार हम पढ़ेंगे तो हमें सब क्लियर हो जाएगा, याद रखना। और एक लास्ट चीज़ हमने ये जो पढ़ा था ना यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, ये सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, कहाँ चले गए इसके, नीटम। तो नीटम में एक चीज़ याद रखना है आपको कि नीटम के अंदर आर्किगोनियम स्त्रीधानी नहीं पाई जाती, ये याद रखना, ये स्त्रीधानी नहीं पाई जाती है, आर्किगोनियम नीटम के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में आर्किगोनियम पाया जाता है। लेकिन हमने पढ़ा था साइकस के अंदर मादा शंकु नहीं पाया जाता है, साइकस के अंदर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला ना, तो कल की और आज की क्लास का मिक्स करके मिल जाएगा। आज क्या, आज सुबह टाइपिस्ट जी नहीं आए, आज फिर चले गए थे छुट्टी पर वो। तो ये देखिए, अब आप बोलोगे सर हमने कल इसमें से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, हमने कहाँ तक देख लिया था, ये मैंने चित्रात्मक रूप से भी आपको दिए हैं, महत्व हमने कल पढ़ लिए थे। आप देखिए, अनावृत बीजी पौधे में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है, अनावृत बीजी हमने ये कल पढ़ लिया था। साइकेडोफिलिकेल्स अनावृत बीजी का वह समूह, अभी हमने साइकेडोफिलिकेल्स देखा था, हमने अलग अलग वर्ग पढ़े हुए हैं, तीन वर्ग थे पहले वाले में साइकेडोफाइटा में, और कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत चार वर्ग पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें आपको लिख के दी हैं, अब बस आपको इसको हल्का सा एक बार रीडिंग मार लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है,
यहाँ जिकंगो भाई बोला जीवित जीवाश्म का एक अच्छा उदाहरण है। सारी चीज़ें, ये पौधे के फोटो भी लगाए हैं मैंने। एक अनावृत बीजी पौधे की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, तो उसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? भ्रूण पोष में भैया 8 गुणसूत्र होंगे। क्यों? क्योंकि भ्रूण पोष युग्मनस से पहले ही, मतलब जर्मिनेशन से पहले ही बन जाता है, याद रखना। ये देखो, अनावृत बीजों में भ्रूण निषेचन से पहले बनता है और इस प्रकार भ्रूणकोश आगुणित होता है। ये मैंने जो चीज़ें इसमें लिख के दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, कल टेस्ट रहेगा आप लोगों का। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको लिख कर दे दी हैं, ठीक है। साइकस में मल्टीफ्लेजेट शुक्राणु मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है। सबसे बड़ा पुमंग साइकस का होता है, मादा अंडब साइकस का होता है, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल में पाया जाता है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें इसको लिख के दे दी। देखो, पाइनस को हैप्लोजाइलॉन डिप्लोजाइलॉन नामक दो उपजातियों में विभक्त किया जाता है। डिप्लोजाइलॉन कठोर होती है, हैप्लोजाइलॉन मुलायम होती है, ये भी मैंने आपको लिखित में बता दिया। हाँ, आज रात को 9 बजे भी क्लास रहेगी, 9 बजे क्लास रहेगी। आज मैं अपने हाथ से PPT बनाऊँगा। चलिए, ये देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लिख कर दी हैं, इसकी PDF को मिस मत करना। ये क्या हो गया? हाँ, ये देखिए सारी चीज़ें आपको इसमें बकायदा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी देखने मिलेंगी, क्लियर। तो इन चीज़ों को आप मिस मत करना बिल्कुल भी। और अगर आप वास्तव में ध्यान देना YouTube वाले, अगर आप वास्तव में कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बॉटनी का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है और साइंस का भी चल रहा है। साइंस में आपको बॉटनी पूरा का पूरा मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, याद रखना यहाँ पर। और मात्र 499 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ। अगर आप TGT PGT एस्टेट वाले हैं, बिहार BPSC वाले हैं, तो आपके लिए 299 वाला सफिशियंट रहेगा रिविजन सेशन के लिए। बाकी कंप्यूटर चल ही रहा है। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, इतने कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ बुक आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जिम्नोस्पर्म। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।